आप सभी का आज की इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये विषय जो है बहुत सहज विषय है। सहज इस अर्थ में कि ये ऐसा विषय है कि जैसे कभी कोई व्यक्ति अपने विषय में कोई शंका नहीं करता, अपने अस्तित्व के विषय में शंका नहीं करता, लेकिन अगर उससे पूछ लिया जाए कि आप अपने अस्तित्व को कैसे सिद्ध करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव योर एग्जिस्टेंस, तो उसके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। और यदि आप समझें कि इसका हम एक स्मार्ट उत्तर जो है वो ये दे सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड और ये सारी औपचारिकताओं के माध्यम से अपने अस्तित्व को सिद्ध कर लेंगे, तो वो आपके अस्तित्व को सिद्ध नहीं करते। उसका आपके अस्तित्व से कोई मतलब नहीं है, वो केवल एक सामान्य सामाजिक व्यवहार की बात है, राजनीतिक व्यवहार की बात है। लेकिन सामान्य रूप से हम ऐसे प्रश्न करते ही नहीं कि हाउ डू आई नो दैट आई एग्जिस्ट, आप कैसे जानते हैं कि आपका अस्तित्व है। इसी तरह के बहुत सारे और प्रश्न जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पूर्व इस विषय के बारे में एक दो बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूं। तब तक मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी वो जुड़ ही गए हैं हमारे साथ, ये बड़ी एक अच्छी बात होगी, बिल्कुल यथा समय वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उस विषय पे मैं आप लोगों के साथ बात कर लेता हूं कि जब मैं डिकोडिंग कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि ये कॉन्शियसनेस वस्तुतः है क्या, जिसके आधार पर हम जीते भी हैं, जिसके आधार पे हम सारा व्यवहार करते हैं, और क्या ये कॉन्शियसनेस विज्ञान को पूरी तरह समझ में आ गई है, और क्या ये संस्कृत जो ट्रेडिशन रही है, भारतीय परंपरा रही है, उसमें इस कॉन्शियसनेस को जिस रूप में समझा गया है क्या वो पर्याप्त है, या वो भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, या वो किस दृष्टि से इस चेतना के संबित के, या और बहुत सारे ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, क्या उन माध्यमों से उसने चेतना के विषय को समझ लिया है, चेतना की समस्याओं को समझ लिया है। तो ये दो पक्ष के माध्यम से, इन दो पक्षों के माध्यम से आज हम कॉन्शियसनेस, ये जो टर्म है, ये जो अवधारणा है, ये जो जो भी ये वस्तु कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वस्तु जब आप कहते हैं तो आपके सामने एक फिगर उभर कर आती है, आपके सामने एक मेयरमेंट आती है, क्योंकि सारे का सारा जो साइंस है वो एक मेयरमेंट पर आधारित है। लेकिन ऐसी जो पदार्थ या ऐसे जो तत्व जो बियॉन्ड मेयरमेंट हैं, उनको साइंस कैसे समझती है, उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है, उसके विषय में वो खोज कैसे करती है, कि जैसे अनंतता, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ अगले 2-3 मिनट में शेयर करूंगा। और जैसा कि आप ये पहली स्लाइड देख ही रहे हैं, इस स्लाइड में मैंने दो पक्ष आप लोगों के सामने रखे हैं। ये बीच में जो है, ये जो आप फिगर घूमते हुए देख रहे हैं, ये आजकल डीएनए का एक हमारा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम चेतना को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। यहीं कहीं पर जो है डीएनए में ही आपकी चेतना के जितने भी रूप हैं वो छिपे हुए हैं। अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखें तो ये पंचदशी का एक श्लोक है, और उस श्लोक में ये कहा गया है कि कॉन्शियसनेस स्लीप्स इन स्टोन्स, ब्रीथ्स इन प्लांट्स, मूव्स इन एनिमल्स, वेक्स अप इन ह्यूमन बीइंग्स। ये एक श्लोक जो है, एक कारिका हमें देखने को सुनने को मिलती है। संस्कृत में मैंने केवल इसलिए नहीं लिखी कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो संस्कृत से नहीं है, लेकिन ये पंचदशी ग्रंथ से है। और दूसरा प्रश्न मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि हाउ डू आई नो दैट आई एग्जिस्ट, मेरे अस्तित्व का बोध मुझे कैसे होता है। फिर उसके नीचे मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्या भाव और अभाव का अनुभव करना चेतना का लक्षण है, कि केवल इतने से चेतना का अनुभव हो जाता है और चेतना का सिद्ध हो जाती है। संस्कृत में एक बात बार बार कही जाती है कि सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति, कि सभी लोग अपने आत्म को जानते हैं। अब यहां पर हम चेतना शब्द के लिए आत्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक विचारणीय बात है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
मैं समझता हूं अपने वक्तव्य में लेंगे। और क्या यह बात चेतना के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि मैं जानता हूं कि मैं हूं, इतना कह देना क्या पर्याप्त होगा? और दूसरी तरफ जब आप मैक्स प्लैंक जैसे लोगों को देखते हैं, उनकी कोटेशंस को देखने लगते हैं, और इसी तरह के और भी बहुत सारे लोग, जॉन एफ कापरा, इस तरह के लोगों को जब आप देखने लगते हैं, तो उनकी सोच विज्ञान से कितनी आगे चली जाती है। वो क्या कह रहे हैं, आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल, आई रिगार्ड मैटर एज डेरिवेटिव फ्रॉम कॉन्शियसनेस, वी कैनॉट गेट बिहाइंड कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग दैट वी टॉक अबाउट, एवरीथिंग वी रिगार्ड एज एग्जिस्टिंग पोस्टुलेट्स कॉन्शियसनेस। ये मैक्स प्लैंक की है। तो ये दो वक्तव्य जो हैं, दो विभिन्न दृष्टियां वो आपके सामने हैं। अब इसमें हमने समझना है कि इन दो धुरियों के बीच में हमारा हमारा इस संवित, इस चेतना, इस कॉन्शियसनेस के बारे में क्या समझ है। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का परिचय जो है आज के दोनों मुख्य वक्ताओं से करवाऊं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल इज अ वेरी सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल, और उनका अपना पूरा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, और न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो, और कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर अंबाला कैंट में है। उनका इस तरह के विषयों को वो सीधे सीधे हैंडल कर रहे हैं, कितने प्रकार से, कितनी तरह की उन्होंने इसमें खोज की है। वो केवल डॉक्टर ही नहीं, ही इज आल्सो रिसर्चर आल्सो, और कभी आप उनसे बात करें तो उनकी जो इंसाइट्स हैं इस विषय में, साइंस के साथ साथ जो एक इंसाइट्स उनके पास उपलब्ध हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनका लाभ आज हम लेंगे। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो अध्यक्ष रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, वो पूरी तरह से भारतीय परंपरा से परिचित हैं, और विभिन्न पक्षों को वो विभिन्न पक्षों के ऊपर उनकी सिद्ध हस्तता है। तो आज दो व्यक्तियों के वक्तव्य, दो विभिन्न स्ट्रीम से आने वाले व्यक्तियों के वक्तव्य को हम लोग सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब इन दोनों व्यक्तियों से हमारी अपेक्षा क्या रहेगी कि जो लोग, जो भी चेतना को, चेतना के संदर्भ में जो मेथोडोलॉजिकल डिफिकल्टीज हैं, उसके विषय में बात करें, कॉन्शियसनेस एंड इट्स ओरिजिन के बारे में हमारे से बात करें, कॉन्शियसनेस एंड इट्स स्ट्रक्चर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसका रूप क्या बनता है, क्या समझें, क्योंकि रूप होगा तो आप समझेंगे, मेजरमेंट होगा तो हम समझ पाएंगे, अगर मेजरमेंट ही नहीं हो सकता, अगर उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं बनता तो हम क्या समझेंगे। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं समझता हूं कि हम लोग डॉक्टर साहब से और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा दोनों जी से हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण पक्ष आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, प्रश्न रखना चाहता हूं, क्योंकि दीज आर कॉल्ड हार्ड क्वेश्चंस। पहला तो बड़ा सीधा सीधा सा प्रश्न है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हाउ डिड कॉन्शियसनेस कम टू एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, डिड इट इवॉल्व फ्रॉम नॉन कॉन्शियस प्रॉपर्टीज, इन दैट केस व्हाई, व्हाट पर्पस डज इट सर्व, एम आई इन कंट्रोल ऑफ माई कॉन्शियसनेस, व्हाट इज इट टू बी अवेयर। मैं ज्यादा नहीं आप लोगों के साथ प्रश्न और ले रहा, लेकिन प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ मैं एक और शेयर करना चाहूंगा कि 11वें नंबर का प्रश्न अगर देखें, इज कॉन्शियसनेस ए फॉर्म ऑफ सेल्फ मेंटेनेंस द सेम वे दैट द एटॉमिक सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द एनवायरमेंट। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, Why can't I be aware of my entire being? We only have partial introspection. We have no idea of what many organs are doing in our body. Consciousness is limited to my head. Do I need hands and feet in order to be conscious? Is consciousness only the determined by what is in the head, or is it affected also by every part of the body? Am I still the same person if they cut my legs? What if they transplant my heart? ये बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है। अगर बुद्धिज्म को अगर आपने पढ़ा है तो आप देख पाएंगे कि ये प्रश्न वहां पर उठ के आता है, मिलिंद प्रश्न जिन्हें आप कहते हैं। इसी तरह एक प्रश्न मैं और ले लेता हूं आप लोगों की भूमिका के तौर पे।
हालांकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्योंकि समय नहीं लेना चाहता और हमारे जो दोनों मुख्य वक्ता हैं उनको ही सुनना चाहता हूँ। दिस कॉन्शियसनेस इन कंट्रोल ऑफ मी, दिस क्वेश्चन इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग वेदर देयर इज ए लोकस ऑफ कॉन्शियसनेस इन द ब्रेन और वेदर कॉन्शियसनेस इज सिंपली ए साइड इफेक्ट ऑफ प्रोसेस दैट अकर इन ब्रेन। ये सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या तो 20 है लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रहा। हालांकि कॉन्शियसनेस को लेकर के डॉक्टर साहब सारी बातें करेंगे कि ये शब्द प्रयोग में आया और इसके कितने सारे आयाम हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द विलियम जेम्स ने प्रयोग किया था आदि आदि। फिर एक बड़ी मजेदार बात आप लोगों के साथ शेयर करके मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि 2004 का एक रिसर्च पेपर पब्लिक हुआ था और उसमें जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये लोग ह्यूमन ब्रेन फंक्शन के ऊपर उन्होंने जब लिखा तो उन लोगों ने बिल्कुल, आप ये स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि समय की सीमा है। उन लोगों की ये बड़ी बोल्ड डिक्लेरेशन है, वो पेज 74 पे कहते हैं, वी हैव नो आइडिया हाउ कॉन्शियसनेस इमर्जेस फ्रॉम द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड वी डू नॉट नो वेदर कॉन्शियसनेस कैन इमर्ज फ्रॉम नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब ये बड़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है और इसके साथ एक जुड़ी हुई बात हम सभी श्रोताओं को ध्यान में रखनी होगी कि द एम्बिग्युटी ऑफ द टर्म कॉन्शियसनेस इज ऑफन एक्सप्लॉयटेड बाय बोथ फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट्स राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट। इट इज कॉमन टू सी सेमिनार ऑन कॉन्शियसनेस बिगिन विद एन इन्वोकेशन ऑफ मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस नोटिंग द स्ट्रेंज इंटेजिबिलिटी एंड इनएफेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्टिविटी एंड बरिंग दैट So far, we have no theory of the phenomenon. तो मैं और नहीं ज्यादा बातों में जाता, हालांकि मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता था कि किस तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन सारी चीजों को समझा गया है, देखा गया है। जस्ट यू कैन हैव अ लुक एट द थिंग्स कि कॉन्शियसनेस में कौन फिनोमेना में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ और बर्थ ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर हमें बात करनी होगी। हालांकि उसमें दो चीजें आप नीचे देख सकते हैं, हाउ वाज लाइफ क्रिएटेड एंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस, मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, लाइफ एंड कॉन्शियसनेस क्या रही है, संस्कृतिस्ट व्यू पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, इस तरह के सारे ये पक्ष मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन वो सारे की सारी बातें बाद में लेंगे, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल जी को कि वो हमारे साथ अपना वक्तव्य जो है आज का साझा करें और हमें जो है वो नई दिशाएं इस विषय में दें। और मेरा उनसे ये भी निवेदन रहेगा कि मैडम देवकी जी कृपया आप अपना स्लाइड शेयर, ये स्क्रीन शेयर मत कीजिए, तो उसमें सरल भाषा में हमारे साथ वो पूरी मेडिकल टर्म जो है उसको रखें, क्योंकि अन्यथा हम लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बैकग्राउंड उस तरह की मेडिकल की नहीं है और सभी लोग जो जुड़े हुए लोग हैं वो सभी विभिन्न विषयों से लोग हैं, तो जितनी सरल शब्दावली में संभव है वो हमारे साथ वो शेयर करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड आई विल ट्राई। जी सर, आपकी आवाज बहुत कम है सर, आपको थोड़ा क्लोज होना पड़ेगा। एक मेडिकल के सब्जेक्ट को आगे ला सकते हैं। I'll show you a few slides. So you have to be a little bit loud. Madam Devki, please screen share na karein. Am I audible now? Yeah, yes. हाँ जी, हाँ जी. Audible, लेकिन still voice is quite low. Madam Devki, please आप अपनी screen clear now. हटाएं. I hope so. सर, इज इट पॉसिबल कि मैं प्रेजेंटेशन जो है अपनी स्लाइड प्रेजेंट कर दूं? हाँ जी, हाँ जी रवि जी, प्लीज आप अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे तो मैडम देखिए कि अपने आप प्रेजेंटेशन हट जाएगी। जी रवि जी, आप स्क्रीन शेयर करें। या वही कर रहा हूँ सर। जी सर, अभी
एक्चुअली मुझे खुद को ये सब काम नहीं आता, बिना रवि के मैं कर नहीं पाता हूँ। ठीक है सर, ये यही परंपरा है कि हमें आगे बच्चों को देना होता है। अब ये मेरी हेल्प कर रहा है तो मैं बोलता हूँ, कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश किया, लेकिन मेडिकली मैं बताता हूँ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इन द ब्रेन दैट लीड्स टू द कॉन्शियसनेस एंड जो रिस्पॉन्सिबल है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स, ब्रिंग इट टू द ब्रेन, वहां वो एनालाइज होता है और एक पेशेंट जो है, एक आदमी जो कोई इंसान भी है, लिविंग बीइंग, बिकम्स कॉन्शियस। अब उसको कॉन्शियसनेस के लिए, उसके लिए कई सारी पिक्चर्स आती हैं, मेमोरी है बीच में, सेंसरी परसेप्शंस हैं, मोटर एक्टिविटी है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इट्स ए वेरी इंट्रिकेट सिस्टम जिसमें कॉन्शियसनेस सामने दिखाई देती है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन ब्रीफ, ओनली इन वन गो। ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ मेनी पार्ट्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब, हर एक का अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑल द parts of the brain, they come into function to make a person conscious. ये इसका कुछ corpuscularism दिखाया गया। Next is ये, this is a reticular and activating system. ये system नीचे से information पूरी collect करता है, through ear, through skin, muscles, eyes, ये सारी information collect करके it brings to the brain and projects to various part of the cortex. Cortex means जो ब्रेन का बाहर का पोर्शन है, that is called cerebral cortex. तो आउटर पोर्शन में वहाँ सारे अपनी अपनी इंफॉर्मेशन देता। Now that information is analyzed by different parts of the brain. ये यहाँ शो किया हुआ है हमने, how information goes, और ये इसमें यहाँ इंफॉर्मेशन आई, फिर इस पार्ट में गई, यहाँ गई, और अल्टीमेटली एनालाइज होकर हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ ये हमें बात सुनाई दे रही है, ये दे रहा है, और ये सारी चीजें they make us conscious of pain, visual stimuli, hearing stimuli, skin touch, and so many others. Next is how a stimulus goes. ये उसको उसी की part है. अब let me not go further. इससे आगे चलते हैं. Now what happens? Brain में तरह-तरह के cells होते हैं जब बच्चा पैदा होता है या जब वो बनाया है, पैदा हो रहा है while he is in utero. उसको यानी जब बच्चा utero में है, उस time ये अलग-अलग cells की assemblies बन जाती हैं. ना उनको जाके जब स्टिमुलस मिलता है, वो जाके एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन में जाके अपना एक सिस्टम बना लेती है, उसको हम कहते हैं वो मेमोराइज हो जाता है कि जब भी कभी पेन होगा तो ये वाला पार्ट ऑफ ब्रेन विल रिस्पॉन्ड, मोटर एक्टिविटी होगी ये पार्ट रिस्पॉन्ड करेगा, ये वाला प्रॉब्लम होगा तो ये पार्ट रिस्पॉन्ड करेगा, तो उससे ये सेल असेंबलीज जो है वो उसी तरह डेवलप हो जाती है एंड दे गो ऑन टू इन्फॉर्म जैसे ये हुआ, पेन हुआ है हमको, तो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन विल रिस्पॉन्ड। So cell assemblies, they are stimulated in response to the sensory stimulus. Here it is. ये blue में जो दिखाया जा रहा है, ये जो green वाला जो है, this will only eye will show. Eye की जो visual stimuli है, यहाँ पहुँच जाएंगे. जो auditory stimuli है, वो यहाँ पहुँच जाएंगे green इसमें. Person नजर नहीं आ रहा. Yeah, here. Auditory stimuli यहाँ आ गए, visual यहाँ आ गए. ये धीरे-धीरे इसको मेमोराइज हो जाता है कि अच्छा मेरे को ये स्टिमुलस आएगा, इस पार्ट ऑफ द ब्रेन विल रिस्पॉन्ड एंड विल शो द प्रॉब्लम क्या है, क्या हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो वेरियस स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें नजर आती हैं। होता क्या है, कॉन्शियस लेवल टोटली अलर्ट, प्री कॉन्शियस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑर्डिनरी मेमोरी, जो हमने मेमोराइज किया है, अच्छा ये पार्ट है, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें पेन हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू मूव आवर लेग्स, वो सारा सबकॉन्शियस लेवल है। जो ब्रेन के आगे तीन पार्ट दिखाए गए हैं, ये इस स्लाइड में बाद में आता हूं, तो उसमें ये तीन पार्ट दिखाए गए। अपर पार्ट इज द वन विच यू कैन सी अबव द सी लेवल, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी, आइसबर्ग की। द पार्ट विच इज अबव इट इज योर फुल्ली कॉन्शियस लेवल, ये हमें बताता है ये चीज गलत है, ये ठीक है, ये करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये पेन करेगा, यहाँ हाथ लगाएंगे गर्म है भाई, हाथ जल जाएगा, तो वो हमारा एक कॉन्शियस लेवल।
उसके नीचे आता है सबकॉन्शियस लेवल, या इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग उससे डिस्क्राइब कर दिया, किसी ने बोला ये सबकॉन्शियस है, किसी ने बोला नहीं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जहां मिलते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड प्री कॉन्शियस माइंड, उन्होंने उसको प्री कॉन्शियस ये इतने एरिया को प्री कॉन्शियस बोल दिया, ये सबकॉन्शियस हो गया, और इनर माइंड इज वन विच इज वेयर आपका कंट्रोल ही नहीं है, एक बार वहां मैसेज पहुंच गया तो पहुंच गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज हमारा इससे हमें हाउ आर वी कंसर्न्ड विद ऑल दिस, ये कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इज गोइंग टू कीप अस अवेक और कीप अस कॉन्शियस। अब डज इट मीन कि ईच टाइम हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो वो कॉन्शियस ही है, ड्यूरिंग स्लीप ऑल्सो आर वी कॉन्शियस और नॉट, आर वी लिसनिंग टू वॉट इज हैपनिंग, दैट इज विजिबल हेयर ऑन ईजी दिस पेशेंट वाइल अवेक, तो ये इसकी फाइंडिंग्स है। जरा सा ड्राउजी होता है तो ईजी पैटर्न चेंजेस, पेशेंट सोने लगता है तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, थीटा वेव्स आ जाती है, यहां पर थी अल्फा वेव्स, अल्फा बीटा, अगर एंग्शियस है तो बीटा वेव आ जाएगी, अवेक है एंग्शियस नहीं है आराम से आंखें बंद करके लेटा है तो अल्फा विल बी विजिबल, अगर वो आंखें बंद करके नहीं लेटा है इधर उधर देख रहा है then probably beta waves will be predominant, drowsy हुआ तो alpha waves भी गायब होनी शुरू हो जाती हैं, शुरू शुरू में ज्यादा लगेंगी and finally patient will land up with theta waves, finally when he gets into deeper stages of sleep here, ये sleep spindles आ गई and this is a deepest part of the stage 3 and 4 में पहुंच गया, तो इससे by performing EEGs we know whether the patient is awake, हाँ एक ये this is REM sleep जो सबसे नीचे हमने दिखाया in this part, ये REM स्लीप में इसको ये बंद कर सकते हैं, ये तो अच्छा REM स्लीप में द पेशेंट इज ड्रीमिंग, अब प्रश्न यहां पर आता है कि व्हाट डू वी व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट कॉन्शियस माइंड, व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट सबकॉन्शियस प्री कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो है इट इज लाइक ए कैप्टन ऑफ ए शिप, एक शिप सेल कर रहा है तो वो कॉन्शियस माइंड कैप्टन बाहर खड़ा है अपनी दूरबीन लेके बाहर देख रहा है व्हाट इज हैपनिंग, और वो उसको जो अंदर मैरिन के जो लोग बैठे हुए हैं उनको गाइड कर रहा है तो भाई तुम ऐसा चलना राइट लीजिए लेफ्ट लीजिए इतने डिग्री पे मूव कीजिए, तो वो सारा नीचे नहीं कर रहा है तो उसको प्लीज गाइडिंग कर कि दिस इज व्हाट इज टू बी डन। सो सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अदर मैरिन स्टाफ, वो जो विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द शिप फॉर सेलिंग, वेयर एज गाइड कौन कर रहा है, कैप्टन ऑफ द शिप। सो कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन को पूरा गाइड कर रहा है भाई तुम ये करो। सबकॉन्शियस माइंड तक जब तक वो मैसेज पहुंचता है तो मींस यू आर टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ट्राइंग टू से कि जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए, वेरियस वर्ड्स में निकालता हूं, एक ही बात को दो दो बार बना के अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये भी कॉन्शियस माइंड में जा रहा है, वहां से सबकॉन्शियस में जाता जा रहा है। कोई आदमी ये भी सोचेगा ये अपने को ज्यादा विद्वान समझ रहा है भाई, ये लेक्चर दे रहा है इतना बड़ा बता रहा है, और दूसरा ये भी सोचे नहीं नहीं इसमें कुछ काम की चीज भी है ये ले लो यार अच्छी बात है। सो मींस वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहेगा, ए पार्ट ऑफ इट विल लैंड अप फाइनली इन द इनर ब्रेन विच इज कॉल्ड इनर माइंड, बिल्कुल डेप्थ ऑफ इट। वो जो पार्ट पहुंचता है दैट इज लाइक जैसे हम कहते हैं कि फीवर हो गया किसी को, एग्जामिनेशन फीवर हो गया, बिकॉज द मैसेज हैज गॉन डाउन इन टू द ब्रेन इनर ब्रेन। अब सबकॉन्शियस माइंड पे तो पहुंचा था कि भाई अपने को एग्जाम देना है और एक्सेल करना है, जैसे स्पोर्ट्स वाले हैं कि मैं तो एक चीज को 4 मिनट में पूरा कर लूंगा अपनी दौड़ को, उन्होंने बोला 1 किलोमीटर मेरे को दौड़ना है और मुझे 4 किलोमीटर में दौड़ना है। इफ ही डिसाइड्स दैट आई विल डू इट, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है वो कहे ठीक है यार मैं करा के ही छोड़ूंगा आपको ये काम, और वो करता। बट इफ ही स्टार्ट्स थिंकिंग मैं तो नहीं कर सकता ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, वो नहीं कर पाता। सिमिलरली बच्चे हैं, आप बच्चे को समझा दीजिए कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, and if you buck him up, come on, you'll do it, and he does it. अगर हम वो ये सोच के बैठ जाए कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, तो subconscious mind बोलता है ठीक है, वो आपको उसी हिसाब से train कर देगा कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आपकी body, आपकी senses, everything will go accordingly, और ये, हाँ, मुझे I can exemplify by another statement, like my mother used to say, अगर आपको सवेरे उठना है, suppose get up at 5 AM, you tell your body, और यूर वो गोडे बोलती थी उससे गोडे को बोल दो अपने गोडे मींस नीज, यू टेल योर नीज दैट यू वांट टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड दे विल वेक यू अप एंड इट इज वेरी मच ट्रू। नाउ इट इज नॉट गोडे,
इट इज एक्चुअली द सबकॉन्शियस माइंड जिसको मैंने रात को प्रोग्राम कर दिया, मुझे अलार्म की जरूरत नहीं कि भाई मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, वो 5 बजे पूरा, वो 5 बजे उठाएगा जी पूरा, आप उठिए नहीं उठिए वो आपकी इच्छा, लेकिन वो उठा देगा एक बार 5 बजे आपको, आप घड़ी देखेंगे पूरे 5 बजे उसने उठा रखा। Now, how does that happen? That is programming of your subconscious mind. Now, this by itself is a very big chapter. But we'll continue only with the consciousness. कि consciousness का हमें कैसे पता लगा? एक तो ये EEG का हो गया. Second, जो patients आते हैं हमारे पास head injury लेके, there we know कि इसका ये part damage हुआ, तो ये patient conscious है. ये part damage हुआ, तो ये conscious नहीं है. और ये part damage हुआ, इसकी memory गायब होगी. For example, अभी इसमें सर्जरी भी करते हैं, ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है वहां जहां पर सर्जरी करके हम लोग कुछ पार्ट ब्रेन का रिमूव कर देते हैं। कुछ पेशेंट में स्प्लिट मेथड होता है, उसमें ब्रेन का वो दिखा सकते हैं, जहां ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, उसमें क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं ब्रेन को, सेंटर से काट देते हैं, सेंटर से काटते हैं, बिकम्स लाइक वो ऐसे टेप रिकॉर्डर होता है, वो टेप रिकॉर्डर की तरह बन गया, उसमें पुरानी चीजें तो उसको याद है सारी, लेकिन नई चीज आप उसमें टेप नहीं कर सकते। पेशेंट को रास्ता पता है, वो पुराना रास्ता मालूम है, लेकिन जहां से हम उसको लेके आए हैं वो रास्ता दोबारा से उसको, ये वाला पार्ट वी कट दिस पार्ट सेंटर में, स्प्लिट ब्रेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, ये दिस इज कॉर्पस कैलिसम, काम क्या है, एक हिस्से ब्रेन के मैसेज इधर से उधर ट्रांसफर करना। बट इफ वी डिवाइड दिस टू कंटेन एपिलेप्सी, कई पेशेंट्स की एपिलेप्सी इतनी खराब होती है कि वह वो एपिलेप्सी के लिए इसको काटना पड़ जाता है, कंटेन नहीं होती, दौरे ठीक नहीं होते, अब दौरे ठीक नहीं हो रहे, तो दिस इज वन ऑफ द मेथडोलॉजी टू कंटेन दोज एपिलेप्टिक फिट्स, तो उसके लिए इसको स्प्लिट ब्रेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एंड कर्सर लिखा तो यहां पर ये इस पार्ट को हम डिवाइड कर देते, तो डिवाइड करने के बाद ही बिकम्स लाइक ए स्मॉल टेप रिकॉर्डर विच विल प्ले ऑलरेडी टेप्ड सॉन्ग्स बट विल नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग, वो बिल्कुल ऐसे बन जाते। तो अब उसके लिए एक है एचएम, देयर वाज अ पर्सन जिसका नाम एचएम के नाम से मशहूर है, अगर साइकोलॉजी लिटरेचर में देखेंगे आप, तो ही वाज लाइक दैट, स्प्लिट ब्रेन किया गया था मेथड एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद हिम। ऐसे बहुत सारे लोग, कोई गनशॉट वुंड के साथ आता है, आर्मी वाले आते हैं, वो डिपेंड करता है किस एरिया में वो उसको गनशॉट वुंड लगा, सो डिड ही बिकम कॉन्शियस और डिड ही रिमेन अनकॉन्शियस और डिड ही बिकम अनकॉन्शियस और डिड ही वॉक इनटू कोमा, वो धीरे धीरे कोमा में पहुंच गया। अब प्रश्न वही है, दिस इज हाउ वी कम टू नो कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, ये पेशेंट कॉन्शियस है, इसका फर्दर आउटकम कैसा होगा, ये अनकॉन्शियस है, इट्स का आउटकम। बाकी साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया, फ्राइड ने उसको डिस्क्राइब कर दिया एज एन आइसबर्ग, बट इट इज वेरी मच ट्रू दैट देयर आर थ्री टाइप्स, वन इज आउटर माइंड दैट इज टोटली कॉन्शियस, हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, कहेगा नहीं यार बिल्कुल नहीं गाली दे, बट शराब पी के वो गाली दे आता है, वो क्यों, बिकॉज शराब पीने के बाद उसका RAS जो है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम थोड़ा सप्रेस हो जाता है, वो सप्रेस हो गया उसको बता ही नहीं रहा, वो ही इज कॉन्शियस बट स्टिल ही इज कॉन्शियस अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स टू डू, बट ही इज अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट कि मैं क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, वो कर जाता है, जाके गए उसको अब्यूज करके आ गया, जिसको उसको अब्यूज करना है, बट ही डज व्हाट ही वांट्स टू डू, तो RAS पे डिपेंड करता है। सो कॉन्शियस माइंड इज द आउटर वन, मिडल वन वी टेक अ सबकॉन्शियस माइंड, वो बड़ा स्ट्रांग है, वो कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा स्ट्रांग, इट कीप्स वर्किंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग। तो हम लोग कहते हैं जब सोए पड़े हैं, इज इट ए कॉन्शियस माइंड और इज इट ए सबकॉन्शियस माइंड, we have gone into a state of subconscious where we are arousable, we are not in coma, we are not unconscious, we are arousable, we respond to touch, we respond to temperature, AC band ho gaya, raat ko garmi hogi, fat se aadmi uth jata hai, so arousable hai, so that is a state of sleep. Ab aage sleep ki bahut sari stages hai, stage 1, 2, 3, 4, I will not get into those details, abhi matlab detail mein ye tha ki what is consciousness. So consciousness is an intricate process which is dependent on many brain structures, it is not non-biological, it is purely biological, but further parts of the brain which are responsible for, rather mind you can say, subconscious mind, inner mind, wo sare responsible hain iske liye ke conscious mind se message reaches to the subconscious mind to rokega, aisa na karo bhai ye galat hai, gaali mat do galat hai,
वो सुपर ईगो भी लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया, किसी ने ईगो डिस्क्राइब कर दिया, वो साइकोलॉजिस्ट का काम है. बट न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजी वाइज दिस इज व्हाट हैपेंस. इनर माइंड में जब पहुंच गया तो इट इज समथिंग लाइक आपको गाड़ी पकड़नी है तो बार बार पेशाब आने लगा, आपको एग्जाम देना है तो फीवर आ गया. तो दोस्त वो सारी चीजें इनर माइंड कंट्रोल करता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है. अब मेडिकली अगर चले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड मेनी मोर डिजीजेस आर डिपेंडेंट ऑन द इनर माइंड्स. दिस इज व्हाट हैपेंस. द कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड एंड फाइनली इनर माइंड. दिस इज द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अस. अब गोज फॉर फर्दर इवन योगा. आजकल योगा का बड़ा चल रहा है, मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा है. हाउ डज इट डू दैट? अगेन इट प्रोग्राम्स द इनर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अगेन वर्क फॉर प्रेयर. आप सुबह उठ के अपने आप को कहते हैं भाई मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ, माई कॉन्टेक्ट इज विद द गॉड. यस इट इज विद द गॉड. अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर लिया तो वो गॉडली बन. दैट इज व्हाट हैपेंस विद द सबकॉन्शियस माइंड. वो उसकी प्रोग्रामिंग है. बाई दिस बाई इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक, प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. दिस वी कैन टेक एट अ लेटर स्टेज. अभी कॉन्शियसनेस आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर दैट इट इज प्योरली बायोलॉजिकल. इट इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच एक्ट इन अ वेरी इंट्रिकेट मैनर. इधर से उधर से सब जगह से वो देख के फाइनली पेशेंट पर्सन बिकम्स कॉन्शियस. दैट इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस. आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर. पर देखो आप जी सर वाकई ये बहुत सही व्याख्या रही है आपकी, और ये सारी चीजें वाकई मेरे लिए तो नई जानकारियां थी कई. तो इसमें कुछ एक बातें जरूर मुझे मालूम थी, लेकिन आपने जिस स्पष्टता से इस चीज को रखा है ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है. यू वांट टू कंटिन्यू विद इट सर? There is a condition called जिसमें हम double consciousness भी बोलते हैं. I can say a few words on that. Double consciousness. What happens is, if you some types of epilepsies, जैसे paroxysmal epilepsy बोलते हैं, दौरे होते हैं, छोटी तरह के दौरे समझ लो. उसमें क्या होता है, पेशेंट बात कर रहे से, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बात करते करते अचानक गायब हो गया. इधर देखो. हाँ दिखा. तो बोलते बोलते जैसे मैं बोल रहा हूँ, अचानक रुक गया. And then I resume my talk. आपको लगेगा कुछ सोच रहे थे. But maybe that it is being switched off and on, off and on, off and on, time and again. Maybe many times in a minute or a year or an hour. तो काफी time लग सकता है. अब उसमें क्या होता है कि मेरी जो switch off हो गया, I land up with a second consciousness. And example is there is a doctor जो patient देख रहा था. Patient देखते देखते वो seizure में चला गया. अब उसकी consciousness change हो गई, उसने फिर भी patient देखे. Patient देखता रहा, वो लिखता रहा. उसको पता था मैं दौरे में हूँ, पर वो बात उसको याद आई कि मैं दौरे में हूँ. काम कर लिया. काम करने के बाद सडनली रियलाइज कि यार मैं तो दूसरी कॉन्शियसनेस से चला गया. मैंने वो पेशेंट जो देखे उनको मैं देख तो लू जाके क्या लिखा, गलत तो नहीं लिख दिया. ही वेंट टू द वार्ड. वो वार्ड में जाके देखता है, सबके प्रिस्क्रिप्शन चेक करता है. प्रिस्क्रिप्शन बड़े सही थे एंड एवरीथिंग रिटन वॉज वेरी क्लियर. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डॉक्टर हु वॉज वर्किंग. मरीज देख रहे थे, अचानक दौरे में चले गए. वो दौरे डिफरेंट टाइप थे, नॉन कन्वल्सिव. एक कन्वल्सिव सीजर होता है जिसमें मरीज पूरा झंझनाता है, ऊपर मतलब बड़ी खराब मूवमेंट्स रहती हैं. तो दैट वाज द सेकंड कॉन्शियसनेस व्हिच ही वर्कड इन एंड ही वर्कड. सेकंड आती है एक कॉन्शियसनेस का स्टेज है जिसमें फ्यूग बोलते हैं. ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. पेशेंट लैंड्स अप विद सेकंड कॉन्शियसनेस. ही गोस समवेयर. जैसे पंडित जी के बारे में बताया गया कि पंडित जी अपना पंडताई करते थे, एक मंदिर में काम करते थे. वो फ्यूग में चला गया. He goes to another town, वहां वो पान वाला बन के बैठ गया. वहां जाके दोबारा से शादी किया, वहां रहने लगा और किसी को कुछ पता नहीं उसके बारे में. एक बार कोई उसके यहाँ से कोई आदमी वहां पहुंच गया. जैसे ही पहुंचा वहां पर उसने देखा पंडित जी तो यहाँ बैठे. उसने उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया, पंडित जी वापस लाए गए. अब वो कहे नहीं मैं तो पंडित हूँ, मैं तो पंडित नहीं हूँ, मैं तो पान वाला हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं. और जो पहली बार में था, पहली कॉन्शियसनेस में, उसमें भी वो कॉन्शियस था. उसमें कॉन्शियस था, अपने बीवी बच्चे थे, पंडिताई करते थे. अब दूसरी कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, वो फ्यूग है. दैट्स अनदर कंडीशन. अब वो सारी साइकोलॉजिकल कंडीशंस है. इफ रिक्वायर्ड वी विल डिस्क्राइब देम सम अदर टाइम. ये पैकेटबल सीजर दिखा रहे हैं हम. ये बच्चों में ज्यादा कॉमन है. स्टूडेंट होता है, कई बार हम कहते हैं क्लास में अरे भाई तुम क्लास में बैठे हो, पता है तुम्हारा दिमाग है, कभी भी वहां बैठा दिमाग बार बार स्विच ऑन एंड ऑफ हो रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा.
परेशान हो जाते हैं, लोग भी परेशान है, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई तू पढ़ता लिखता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको हटा दिया गया बिकॉज पेशेंट इज नॉट टोटली एब्सेंट. लेकिन इसको पहले एब्सेंट बोलते थे, 3 per second स्पाइकल वेव कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ईजी में नजर आती है, नॉर्मल ईजी दिखाइए, और एज सून एज द पेशेंट गेट्स इनटू दैट स्टेट, या दिखाया कि उसकी स्टेट ऐसी हो गई एंड 3 per second स्पाइकल वेव ईजी में चेंज आ जाता है, टिपिकल चेंज है. एंड दीज पेशेंट्स आर प्योरली यू कैन से ट्रीटेबल, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, आप दवाई दीजिए 3-5 साल में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, यूजुअली इनको ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं उसके बाद. बहुत सारे रोड साइड एक्सीडेंट्स इसकी वजह से होते हैं, बट इट वॉज की वजह से. तो मे बी आप, ये टीचर्स के लिए भी है कि क्लास में अगर कभी लगे कोई बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सडनली परफॉर्मेंस उसकी गिरती जा रही है, क्या बात है, गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ. कई बार घर में बुलाते हैं, अरे सुनो, वो बात नहीं सुनता, पेरेंट्स ही बोलते हैं हमारी बात भी नहीं सुनता, कई बार बुलाना पड़ता है बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए. ही मे बी ए केस ऑफ, नॉट ऑलवेज बट मे बी ए केस ऑफ पेटिट मेल एपिलेप्सी, यू मस्ट गेट देम चेक्ड आउट. सो दैट इज अबाउट माइक्रोनिक जर्क्स. ये अदर टाइप्स ऑफ सीजर्स है, मेनी अदर टाइप्स ऑफ एपिलेप्सीज. ये सम अदर टाइम अगर कभी आपको लगता है कि हाँ आपको इसके बारे में चाहिए, तो आई कैन प्रेजेंट दोस टाइप्स. Right, sir. I think I have finished my topic. A pleasure, best wishes. जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बल्कि धन्यवाद तो कम ही है, शब्द पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे संज्ञान में नहीं थी. हालांकि जब मैंने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था बहुत साल पहले, तो फ्रायड का पक्ष मैंने पढ़ना शुरू किया था, और वो अपने साइको एनालिसिस के लेक्चर्स जो है वो इस बात से शुरू कर रहा था कि लिखते हुए जब हम कभी गलत लिख जाते हैं तो वो गलत क्यों लिख जाते हैं. और दूसरा उसका एक क्वेश्चन और था कि जब आप किसी को कभी किसी के साथ इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और आपको नाम उसका याद नहीं आता तो मुझे लगा कि ये तो समस्याएं हमारे साथ भी हैं. तो वहां पे मुझे उसका जवाब देता हूं, आपको याद क्यों नहीं आता, ये मेमोरीज है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट, ये फिर अदर टाइम. मेमोरी बाय इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक, इसके लिए मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए बोलने के लिए. जी मेमोरी पे, जी जी डॉक्टर साहब, इस पे मेमोरी पे हम एक जरूर चर्चा रखेंगे, क्योंकि ये एक ह्यूमन फैक्टर को, बिहेवियर को डिसाइड करने वाली है. और कई बार ऐसे लगता है कि माइंड को जैसे हम एक्युमुलेट करते हैं एक्सप्रेशंस के साथ, एक्सपीरियंसेस से हम, और फिर वो मेमोरी में चली जाती हैं, वो सारे का सारा प्रोसेस कैसे होता है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. लेकिन ये जो मेमोरी को भी प्रोग्राम किया जा सकता है, जी हम डॉक्टर रवि जी का भी, मैं हाँ मेरे मन में था, और अब मुझे लगता है कि भी उनका उनका ये समय आ गया है कि उनसे हम मेमोरी की बात आरंभ करें और फिर उसको हम इस में देखेंगे. मेमोरी बिल्कुल फ्लैश मेमोरी बना सकते हैं. जी तो चलिए, कुल मिलाकर के मुझे ये जो दो एक बातें स्पष्ट हुई हैं और हम सभी के लिए वो बड़ी रुचिकर रही हैं, कि इसको केवल मेडिकल साइंस में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस समझा जाता है कॉन्शियसनेस को, लेकिन वो सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस तक ही नहीं है. जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत यूनिवर्स से उभर कर आ रही है, यूनिवर्स को हम डेड कहें लिविंग कहें, बल्कि ये भी प्रश्न एक बार मेरे सामने था कि अर्थ इज लिविंग और नॉन लिविंग. अब जब मैं लिविंग और नॉन लिविंग के चक्कर में पड़ता हूं तो कॉन्शियसनेस को कहां प्लेस कर पाता हूं, तो ये कुछ एक प्रश्न है जो आपने छोड़े हैं. लेकिन ये जो डिविजन्स आपने हमें करके बताए हैं कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे, और उसकी जो फर्दर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है कि कैसे उसको हम समझते हैं और कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेडिकल साइंस की. और मैं समझता हूँ कि कॉन्शियसनेस के साथ जैसे आप लोगों ने प्रयोग किए हैं वो मनुष्यता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहे हैं. अब इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि हम दूसरे पक्ष को भी देखें और समझें कि जो भारतीय परंपरा रही है,
कि किस तरह से चेतना को समझा गया है, क्या चेतना को हमने केवल एक भगवान मान लिया है, या चेतना जो है वो प्रति व्यक्ति अलग अलग होती है, या चेतना का कोई एक कुल मिलाकर के सभी लोगों की चेतना का कोई सामूहिक स्वरूप होता है, या चेतना के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो संवित पुरुष आदि आदि शब्द हैं, ब्रह्म, ऐसे भी शब्दों के द्वारा उस चेतना को कैसे परिभाषित किया गया है, तो उस पक्ष को भी हम सुनेंगे और फिर उसके बाद जो है ये हाउस जो है वो उसमें क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से दोनों पक्ष हमारे सामने आ गए। जी कह सकते हैं, हाँ जी, कॉन्शियसनेस इज अ वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन वन थिंग। जी, डिफरेंट पार्ट्स कम इनटू फंक्शन। अब मान लीजिए एक पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, जी, कॉन्शियसनेस चली जाएगी अगर हम उस पार्ट को रिमूव करते हैं जहां वो कॉन्शियसनेस एनालाइज होती है। बट एनालिसिस जो है उसके लिए जो परसेप्शन आएंगे जगह जगह से, सेंसरी मोटर एंड हियरिंग, ये सारी चीजें जो आने वाली है वो एनवायरमेंट से आने वाली है। बट इसको एक तरीके से वो मेमोरी भी आएगी उसी में, बिकॉज व्हाट वी हैव फेल्ट, सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि हाँ भाई ये चीज है, इसको एक्सेप्ट कर लो, वी स्टोर इट इन आवर मेमोरी। Then those memories they are brought out and the person becomes conscious. लेकिन अगर हम वो पार्टी रिमूव कर देंगे जो कॉन्शियसनेस के रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का, तो वो पेशेंट नहीं कॉन्शियस होगा, वो अनकॉन्शियस ही रहेगा। अब चोट लगी सिर में किसी के, मतलब आपकी बात से ना मेरे पास सामने एक और पक्ष इसका आ गया है कि कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस के अंतर को भी समझना मुझे लगता बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल अलग हो जाएंगी, चेतना अलग हो गई, कॉन्शियसनेस अलग हो गया, सबकॉन्शियसनेस अलग हो गया और अनकॉन्शियस पेशेंट कोमा अलग हो गया। जी 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 जी, इस तो फिर ये बिल्कुल अलग अलग पार्ट आ जाएंगे, यानी किसी पेशेंट का ब्रेन पूरा नॉर्मल भी हो सकता है, स्टिल ही में भी अनकॉन्शियस। जी, दिखने में सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन इंटरनली इट इज सो मच इंट्रिकेट फिनोमेना, देखो उसको परसेप्शन ही नहीं पहुंच रही, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो अंदर इतना डीप है उसको आप देख ही नहीं सकते। जी ठीक है सर, इस सारे प्रश्न उत्तर लेट अस से सोडियम कम कर दिया, हाइपोनेट्रेमिया में पेशेंट चला गया, ही बिकम अनकॉन्शियस। अब ढूंढते रहो कॉज, जब तक आप सोडियम चेक नहीं करोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सही बात है, ठीक है, ये तो है ही है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, अब जिसका शुगर कम हो जाता है अचानक बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट अवेयर ऑफ इट, ये उसका कुछ सिम्टम है। जैसे शुगर कम होगी तो आपको लगेगा पेशेंट की फास्ट बाउंडिंग पल्स होती है, एकदम ठक ठक जोर जोर से बोलेगी, ठंडे पसीने आ जाएंगे, तो डॉक्टर कैन मेक आउट कि यार शायद ये हाइपोग्लाइसीमिक अटैक है, इसको शुगर दे दो ठीक हो जाएगा। जी सर, तो ठीक है सर, ये सारे प्रश्न जो है हम इसके बाद लेते हैं, इस दूसरे पक्ष को सुनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की, उनकी हम जो हमारी परंपरा है उसमें कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत जोर है, बल्कि मैं तो ये कहने का साहस करता हूं कि हमारे यहाँ परमात्मा या भगवान का कोई कॉन्सेप्ट उस तरह से कभी प्रेवलेंट नहीं रहा, वो कॉन्शियसनेस के ऊपर ही सारे का सारा जोर रहा है, चेतना पुरुष और ये सारी शब्दावली प्रयोग की है उसे हम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका वक्तव्य सुनने के बाद हम एक इस सारे विषय के ऊपर एक पूरी खुली चर्चा कुछ देर की रखेंगे और फिर आप लोगों से कुछ उत्तर चाहेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी सर, आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगिंद्र मिड्यम भवरोग वेद्यम श्रीमद गुरु नित्यम हम भजामि। आदरणीय प्रोफेसर अग्रवाल साहब, उपस्थित यहाँ इस संगोष्ठी में जितने भी विद्वजन हैं उन सबको मैं नमस्कार करके अपनी बात शुरू करूँगा। डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से बताया कि मस्तिष्क में हम किस तरह से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसका क्या असर है, और उन्होंने जो मस्तिष्क में जो यंत्रिकाएं हैं उनके आधार पर उन्होंने कई भेद किए और उसके कई भेद उन्होंने हमारे सामने रखे। हमारे यहाँ जो ज्ञान का स्वरूप है या जो चेतना का स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है और दृष्टि भी भिन्न है, इनका जो विवेचन है वो शरीर विज्ञान पर आधारित है कि शरीर के आधार पर ये विवेचन कर रहे हैं और ये दिखा भी रहे हैं, प्रमाणित भी कर रहे हैं, तो इनके ज्ञान में बहुत अच्छा ज्ञान है और ये बहुत अच्छी बात है, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो अपनी शोध कार्य और जो भी इन्होंने स्पष्ट किया
वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो परंपरा है, जो संस्कृत की परंपरा है, उसमें जो आत्मा है वो उस तरह नहीं देखी गई जिस तरह से ये देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो आत्मा है उस आत्मा को हम क्या कहते हैं, तो आत्मा के लिए हम क्या कहते हैं, वो आत्मा है क्या, उसकी खोज बहुत वर्षों से हुई, बहुत से चिंतन ऋषियों ने किया, और वो चिंतन दूसरी तरह से चलता है। वो चिंतन किसी मतलब विज्ञान के आधार पर नहीं चल रहा, वो अलग तरह से अनुभव हुआ उसका उन्होंने बताया। जैसे कि हम पहला जो प्रश्न है कि भाई चेतना है क्या, ज्ञान है क्या, हमें कैसे ज्ञान होता है, हमें इंद्रियों से ज्ञान होता है, और इंद्रियों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया भी कि हमें कैसे रंग का पता लगता है, रूप का, रस का, गंध का, ये पांच इंद्रियां हमारे सामने हैं, वो इंद्रियों से हम बाहरी दुनिया से क्या चीज़ देखते हैं, तो वो कैसे दिखती है ये इन्होंने सिद्ध किया। मतलब आज के आधुनिक विज्ञान ने, चिकित्सा विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि ये चीज़ कैसे देखती है और उससे हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें आती है, उनका एकदम सूक्ष्म विवेचन इन्होंने जो न्यूरोलॉजी के अनुसार इन्होंने बताया है और बहुत उत्तम है। तो हमें ज्ञान हमारे को इंद्रियों से होता है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और एक मन है, हम छह इंद्रियां मानते हैं, इन छह इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पर जो आत्मा है, आत्मा क्या ज्ञान है या ज्ञाता है, प्रश्न ये है कि आत्मा ज्ञान करने वाला है या खुद ज्ञान है, वो आत्मा है क्या चीज। तो उपनिषद में, केनोपनिषद में वो कहते हैं कि देखिए, केनोपनिषद में वो कहते हैं कि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, तो उसको जान नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे, तो कहते हैं कि हमारे पास जानने के जो साधन हैं इंद्रियां हैं, हम आंखों से, कानों से, त्वचा से, हम क्या उस आत्मा को जान सकते हैं, क्योंकि वो जो चेतना है वो उसका कोई रंग नहीं है, इसलिए आंखों से उसे नहीं देख सकते, उसको हम कानों से नहीं सुन सकते क्योंकि वो कोई शब्द नहीं है, साउंड नहीं है, साउंड होता तो हम उसको सुन लेते, तो वो है क्या चीज, उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, इसको हम चख नहीं सकते, वो कोई स्वाद नहीं है, पी नहीं सकते, उसका स्वाद जीभ से नहीं ले सकते, हमारी जो इंद्रियां हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो न तो रस है, न वो गंध है, न वो शब्द है, न वो स्पर्श है, तो फिर उसको कैसे जानते हैं, तो क्या मन से जान सकते हैं, तो कहते मन उससे भी नहीं जान सकते, मन से भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, कि मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कोई विषय नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका हम ज्ञान कर लें, तो उसको मन से उसका मनन नहीं होता, मन जिसके द्वारा मनन करता है उसे हम चेतना कहते हैं। चेतना की जो परिभाषा हुई ब्रह्म क्या है, कि ब्रह्म वो है जिससे आंखें देखती है, आंखों से दिखने वाला वो नहीं है, आंखें जिससे देखती है उसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो ज्ञान है कि जिससे आंखें देखती है, जिससे हमारे कान सुनते हैं, जिससे हमारी जीभ स्वाद को लेती है, और जिससे हमारी त्वचा जो है वो स्पर्श करती है, ठंडा है गर्म, हम छू करके देखते हैं, तो इंद्रियां जिसके माध्यम से काम, जिसकी सहायता से कार्य करते हैं, वो ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है उसे वो कहते हैं ब्रह्म है। उपनिषद में साफ समझा रहे हैं कि वो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के द्वारा हम ज्ञान करते हैं, वो खुद ज्ञान का विषय नहीं होता, उसको जान नहीं सकते आप किसी भी तरीके से, आप जानना चाहें तो उसकी ओर आप नहीं जा सकते, आप इंद्रियों से जा सकते हैं, इंद्रियों के विषय से जा सकते हैं। ज्ञान जो वो विषय ही है, वो क्या है कि वो विषय है, इसलिए उसका ज्ञान संभव ही नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि हमने देख लिया, हमने जान लिया, तो कहते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं हमने जान लिया, समझ लिया, तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने कुछ नहीं जाना है। वो कहते हैं यस्या मतम मतम तस्य विजानताम, कि जिन्होंने ये कहा कि मैंने इसको जान लिया चेतना को, तो आप समझ लीजिए उस चेतना को उन्होंने कुछ नहीं जाना, और एकदम वो गलत कर रहे हैं। पर जिन्होंने ये कहा कि हम इसको नहीं जान सके, वो वास्तव में जानते हैं, क्योंकि वो जानने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो चेतना का स्वरूप हम रूप में, रंग में, या कहीं उसको मशीनों से देखना चाहते हैं, वो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो किसी तरह से देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता, असल में न तो वो कोई, उसका जो रूप है वो न तो द्रव्य है, वो द्रव्य रूप भी नहीं है, वो गुण रूप भी नहीं है, और क्रिया रूप भी नहीं है, तो है क्या वो। सभी दर्शनों ने, भारत के जितने भी दर्शन है, सब ने इसका विचार किया। शुरू शुरू में चार्वाक ने विचार किया था कि वो शरीर में है, शरीर को ही हम चेतना कहते हैं, शरीर में कभी कभी चेतना आ जाती है और कभी मृत्यु के बाद चेतना चली जाती है, तो शरीर का एक गुण होगा आत्मा, ऐसा कुछ दार्शनिकों ने माना, न्याय ने, वैशेषिक ने, और न्याय वैशेषिक जैन आदि ये मानते रहे कि आत्मा के अंदर जो रहता है वो ज्ञान है, और ज्ञान के द्वारा हमें सब कुछ होता है। ज्ञान क्या होता है कि हम देखते हैं कि आंखों से कुछ देखते हैं तो उसका रूप का ज्ञान हो जाता है, कानों से जब सुनते हैं तो उसका आवाज का ज्ञान होता है, कौन बोल रहा है, ऐसे हम जीभ से कुछ खाते हैं, अंधेरे में भी तो पता लग जाता है कि इसका ये क्या चीज खा रहा हूँ, तो जीभ से भी पता लग रहा है, कान से भी पता लग रहा है, आंखों से भी पता लग रहा है, तो ऐसे हमारी पांच इंद्रियां हैं, उन पांच इंद्रियों से हम पता करते हैं,
मन छठी इंद्री है, उस छठी इंद्री से हम ये पता करते हैं कि अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। तो प्रिय और अप्रिय इसका ज्ञान मन से होता है। तो छह इंद्रियों के द्वारा हम जो ज्ञान करते हैं वो जो ज्ञान है वो ज्ञान आत्मा में रहता है। अब कहते हैं आत्मा है क्या, ज्ञान तो जिसमें रहता है, तो मान लिया कि ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान का जो आधार है वो आत्मा है, पर वो आत्मा है क्या चीज जिसमें ज्ञान रहता है? तो वो कहते हैं कि वो हम नहीं बता पाएंगे आपको ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है। हम ये कह सकते हैं ज्ञान है, सुख है, दुख है, इच्छा, द्वेष, प्रियतन, नौ गुण जो है जिसके द्वारा उन्होंने न्याय दर्शन में गौतम ने और कणाद ने ये व्याख्या की कि इन नौ चीजों के द्वारा, नौ गुणों के द्वारा, नौ गुण जिसमें रहे वो आत्मा है, उसमें ये गुण और किसी भी चीज में नहीं है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में किसी में ज्ञान नहीं है, किसी में सुख दुख नहीं है, इच्छा द्वेष नहीं है, राग द्वेष। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हैं आत्मा को बताएंगी कि एक तो ज्ञान जिससे होता है वो आत्मा है, जिसमें ज्ञान रहता है। एक वो कहते हैं कि सुख दुख का ज्ञान हमें होता है, तो सुख दुख क्या चीज है, इनका ज्ञान हमें होता है, तो सुख दुख भी आत्मा को होता है, तो आत्मा में एक सुख दुख का पता लगता है। एक वो कहते हैं कि आत्मा में इच्छाएं होती हैं, इच्छा क्या करूं, क्या मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो किसी को मैं चाहता हूं, जो मेरा प्रिय है उसको मैं चाहता हूं, अप्रिय को नहीं चाहता हूं। तो हमें इच्छा जिसकी है उसको हम चाह रहे हैं, जिसकी इच्छा नहीं वो हमारे अप्रिय है। इसी तरह कहते हैं कि हमारे अंदर स्मृति जो है उसको संस्कार कहते हैं, वो स्मृति भी आत्मा में होती है। तो कहते हैं कि ज्ञान, सुख दुख, इच्छा द्वेष और जो कोशिश है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी आत्मा में होता है, उसको प्रयत्न कहते हैं। और संस्कार और एक आत्मा में ये ज्ञान होता है कि सही और गलत क्या है, ये ज्ञान भी आत्मा ही बताती है। तो इन नौ चीजों को जो बताए उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा क्या है इसके गुण तो बता दिए, पर गुण ही क्या है, किसमें गुण है, तो उसके बारे में वो नहीं कहते कि हमें इसके बारे में भी पता नहीं है। पर हम ये मानते हैं कि जो ये नौ चीज बता सकता है, जो जिसमें नौ गुण है वो आत्मा है। इसी तरह की बातें जैन, बौद्ध और कुछ जो परंपराएं हैं जिन्होंने गुण माना, उन्होंने माना कि आत्मा में ज्ञान नाम का गुण रहता है और गुण ही जो है वो आत्मा है। पर आत्मा की व्याख्या उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें खाली ये बता सकते हैं आत्मा दो तरह की हो सकती है अधिकतम, एक जीव और एक ईश्वर, यानी एक जीवात्मा और एक ईश्वर, दो आत्माएं हो सकती है परमात्मा, और इससे ज्यादा हम वो नहीं बता पाते हैं। तो ये एक दृष्टि रही शुरू की दृष्टि जो न्याय वैशेषिक आदि की, तो ये दृष्टि आत्मा को यानी गुण चेतना को यह मान रही है कि चेतना जो है वो गुण है, और उस रूप में इन्होंने व्याख्या की। और इनका जो उस समय का जो दर्शन है वो इसी तरह का है। पर जो दूसरे दर्शन है सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, उन्होंने यह माना कि आत्मा जो है उसके लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया पुरुष। पुरुष का अर्थ है कि ये एक शहर है पूरा, इस शरीर को एक बड़ा शहर मान लीजिए, पुर मानिए, गांव मान लीजिए, नगर मान लीजिए, उस नगर में जो रह रहा है, इस शरीर में जो कुछ हो रहा है, इसको जो अनुभव कर रहा है, तो जो ज्ञान करने वाला जो ज्ञाता है वो आत्मा है। अब यहाँ उन्होंने आत्मा को ज्ञाता के रूप में देखा, उन्होंने गुण के रूप में नहीं देखा, और उसका एक रूप बदल दिया, और उनका कि जो ज्ञाता है जिसको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञ वही पुरुष है। उन्होंने कहा पूरा संसार जो है वो प्रकृति है और ये पुरुष है। ये वैदिक दृष्टि थी कि दोनों चीज शाश्वत हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति शरीर है और शरीर में का जो मालिक है या जिसको आप कहें कि जिसको ज्ञान हो रहा है उसको शरीर ही कहा, देही कहा, गीता में इसकी व्याख्या बार बार करते हैं। जो देही है, जिसका ये देह है, देह का जो मालिक है उसे देही कहते हैं। तो जो शरीर का मालिक जो आत्मा है, और आत्मा जो उसको वो ज्ञाता है, उसको ज्ञान होता है, पर वो इस शरीर की तरह नहीं है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। आत्मा कार्य कारण से अलग चीज है। कार्य कारण जो है वो प्रकृति में होता है, घटती बढ़ती है, जन्म और मृत्यु होती है, पर आत्मा का न जन्म हुआ न मरण हुआ। तो वो कहते हैं नैनम सिद्धंति सत्राणी नैनम दहति पावक। तो आत्मा जो है वो आत्मा अमर है, और इन्होंने ये माना कि गीता में सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि आत्मा अमर है, उसका कोई जन्म हुआ ही नहीं, उसकी कोई मृत्यु भी नहीं होती, और वो एक परम सत्ता है। वो ज्ञान, वो जो ज्ञाता के रूप में सत्ता है उसकी, वो ज्ञाता है। कर्ता कौन है और इच्छा कौन करता, तीन चीजें हमारे सामने आती है कि जो ज्ञान जिसका वो करता है, और वो क्या इच्छा करता है, और वो क्रिया क्या करता है। तो इन तीनों चीज में हमारे अंदर हम ये देखें कि जिसको हम आत्मा कहते हैं उसमें एक तो ज्ञान ज्ञातृत्व शक्ति है, वो ज्ञाता है, सब कुछ जानता है। किसी भी इंद्रिय से देखें, इंद्रियों को हम इसलिए नहीं मानते कि इंद्रियां करता है, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई आंख से देखा तो वहां ये होगा, कान से देखा तो, क्या ये करता कोई भी नहीं है, क्योंकि आंख देखती है और कान सुनते हैं, जीव चखती है, पर इनमें कभी झगड़ा नहीं होता है। इसका मतलब देखने वाला कोई और है, देखने वाला जो है वो ये नहीं है, आंखें नहीं देख रही है, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, कान नहीं देख रहे, कानों के द्वारा देखने वाला कोई और, सुनने वाला कोई और है, और छूने वाला भी कोई और है। तो छूने वाला इनसे भिन्न है, और उस से हम कहते हैं कि वो पुरुष है,
वो पुरुष है, वो अलग है, वो अजर अमर और शाश्वत है, उसको वो कभी बदलता नहीं है, वो घटता बढ़ता नहीं है, तो उसका रूप अलग है। इसलिए वो कहते हैं कि हम दो तरह के पदार्थ मानते हैं जगत में, सांख्य दर्शन के अनुसार, गीता के अनुसार। एक तो जो बदलने वाला है वो संसार है, और जो नहीं बदलने वाला है वो आत्मा है, पुरुष है। पुरुष कभी बदलता नहीं है, पुरुष का न जन्म हुआ न पुरुष की मृत्यु होती है, न वो घटता है न बढ़ता है, खाली वो देखता है, वो जानता है। कई बार ऐसा लगता है कि वो कुछ कर रहा है, पर वस्तुतः वो कुछ नहीं करता, वो केवल ज्ञान ही करता, ज्ञान के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से सांख्य दर्शन ने इसको थोड़ा सा अंतर दिया न्याय दर्शन से, और सांख्य दर्शन ने एक नई बात की कि जो ज्ञाता है, वो जो ज्ञाता है वो कर्ता नहीं है, कर्ता हमारी इंद्रियां हैं। भूख प्यास किसको लग रहे हैं? क्या आत्मा को भूख प्यास लग रही है? आत्मा भूखी है क्या? तो आत्मा कभी भूखी नहीं होती। जो लोग ये समझते हैं कि शरीर ही आत्मा, वो भ्रांति में है। भूख प्यास शरीर को लगती है। तो जो भी विवेचन हुआ अभी डॉक्टर साहब ने जो विवेचन किया, वो शरीर का है, वो आत्मा की ओर नहीं जा रहा है। उसका समुचा विवेचन शरीर से आधारित है कि शरीर को भूख प्यास लगती है, शरीर को नींद आती है, आत्मा तो, आत्मा को सोने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो हमेशा एकदम नित्य, आत्मा क्या है? तो कहा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। आत्मा को कुछ जरूरत नहीं है, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, आत्मा एक अमर आत्मा है, तो इसलिए उसको कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। जरूरी ये सब किसको जरूरत है? तो क्या शरीर की जरूरत है, शरीर को भूख लगती है, शरीर थकता है, और शरीर और शरीर में एक भेद समझना पड़ेगा। तो ये जो भेद है, इस भेद के बाद में जो अगला कदम आता है, वो अगला कदम वेदांत अद्वैत का आता है। अद्वैत ने पहले, अद्वैत से पहले मीमांसा ने इसको ज्ञान को कर्म कहा, और उनका कि ये सब क्रियाएं हैं, ये गुण नहीं है, क्रियाएं हैं, और उन्होंने इस तरह से आत्मा का स्वरूप बताया। पर जो अंततोगत्वा वेदांत में इसकी बात आई, वेदांत ने कहा कि देखिए सांख्य ने जो कहा वो ठीक है, पर उसमें हमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। सुधार ये करना पड़ेगा कि दो तत्व सांख्य दर्शन मानता है कि एक जगत संसार, और दूसरा जो तत्व है संसार के अलावा जो जिसको हम पुरुष कह रहे हैं, वो पुरुष जो है वो अजर अमर शाश्वत तत्व जो है, ये दो मानते हैं हम, एक ही तत्व मान लेते हैं, और कहते हैं कि वो समझ लेता है कि ये जो कुछ संसार है ये उसी का रूप है और उसमें भेद नहीं है। वो दोनों को समन्वय करते हैं, और समन्वय करके वो कह देते हैं कि जो कुछ है वो उन्होंने आत्मा को ज्ञाता से उन्होंने ज्ञान की कोटि में डाल दिया कि आत्मा ज्ञान है, क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं। बोले कहाँ से लाए आप? क्योंकि आत्मा को हम किससे सिद्ध करें, प्रत्यक्ष से, अनुमान से या उपमान से, किससे सिद्ध करें आत्मा है? तो कहते हैं कि मान लीजिए अभी तक जो आत्मा प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो रही है, अनुमान से सिद्ध किए गए न्याय दर्शन में कि आत्मा है, क्योंकि देखने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला कोई है, इस तरह से हम उसका अनुमान करते हैं, अनुमान से करते हैं, इसीलिए इसका रूप नहीं जान सकते। पर अब इसको रूप को सिद्ध कर सक करें, तो शंकराचार्य ने तर्क दिया कि देखिए इसको अहम संबित्ति कहा, उन्होंने कहा कि जो आत्मा है उसको सिद्ध करने की जरूरत क्या है? क्यों कि आत्मा औरों को सिद्ध करती है, जो स्वयं सिद्ध है वो औरों को सिद्ध करता है। तो आत्मा में कोई संदेह थोड़ी है कि कभी किसी को ये लगा ही नहीं कि मैं नहीं हूं, बाकी चीजें हैं या नहीं है, इसका निर्णय मैं करता हूं कि इस कमरे में क्या क्या वस्तु है, इसका निर्णय आत्मा करती है कि इस कमरे में क्या क्या वस्तु उपलब्ध है, क्या क्या चीज नहीं है। तो क्या क्या नहीं है उसका ज्ञान कौन करवा रही है? आत्मा। तो आत्मा को कौन निर्णय करेगा आत्मा है या नहीं है? तो आत्मा का विचार जो करते हैं वो एक उनके दृष्टि मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो आत्मा को एक वस्तु मान के चल रहे हैं कि वो भी एक हमारा साइंस का वस्तु है, उसका हम प्रयोग करके ढूंढेंगे आत्मा। ऐसा आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं, आत्मा तो उनको सिद्ध कर रही है, जो कुछ भी हम सिद्ध कर रहे हैं वो आत्मा के आधार पर सिद्ध करते हैं। आत्मा को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? आत्मा स्वतः सिद्ध है, और उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमाण वहां लगते हैं सिद्ध जिसको क्या, जो असिद्ध हो, आत्मा को असिद्ध मानते नहीं। वो कहते हैं केवल एक ही चीज संसार में है, जो आत्मा है वही सिद्ध है, बाकी चीजें सिद्ध नहीं है। बोले कैसे नहीं है साहब, ये संसार क्या नहीं है? तो कहते हैं संसार की जो सत्ता है, सत्ताएं तीन तरह की होती है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता केवल ज्ञान की सत्ता है। उदाहरणों ने बड़ा समझाया कि हम जैसे स्वप्न में जो कुछ देखते हैं, स्वप्न में जो देखते हैं वो चीज जगते ही गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? स्वप्न की चीजें जगते ही गायब क्यों होती है? इसका मतलब जो हम देख रहे थे वो वास्तविक नहीं था। अगर वास्तविक होता तो वस्तु बाद में मिलती, एक बार सपना देखा दोबारा सपना उससे कभी जुड़ता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्वप्न में देखा वो केवल एक ज्ञान की सत्ता है, थोड़ी देर का ज्ञान, उसके बाद में वस्तु नहीं रहती है। तो वो सत्ता सबसे अल्पकालिक सत्ता है। दूसरी सत्ता व्यवहार की सत्ता है, जिसमें हम बैठे बात करें, जिसमें हम जग जाते हैं। हम जब जग जाते हैं, जगे हुए होते हैं, तो हमें वस्तुएं दिखती है, पर ये जगी हुई चीजें भी गायब होती है। कब गायब होती है? जब मैं सोता हूँ। जैसे इस कमरे में मैं सो जाऊं, मुझे गहरी नींद आ जाए, मैं कोमा में चला गया, तो यहाँ क्या है मुझे नहीं पता। सब कुछ यह है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, मरीज को बेहोश कर दिया उन्होंने, उस मरीज के लिए कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो जब तक हम जगते हैं,
तब तक ये संसार है, जैसे हम सो जाते हैं तो संसार गायब हो जाता है। इसलिए इस सत्ता को कहते हैं कि ये सत्ता वैसी सत्ता है जो कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है, कभी दिखती है फिर गायब होती है फिर दोबारा मिल जाती है। जैसे मैं आज सोया तो पूरा संसार मेरे लिए गायब है, जब उठूंगा तो संसार फिर वैसे का वैसे मिल जाता है, फिर मैं कहता हूँ हाँ मैं रात को इतने में जग रहा था उसके बाद मुझे पता नहीं है। इस तरह से हम संसार की सत्ता जो है उसको हम व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। तीसरी सत्ता, ये सत्ता भी बदलती है पर ये वापस मिल जाती है। स्वप्न की सत्ता दोबारा नहीं मिलती पर जागृत की सत्ता दोबारा मिलती है। तीसरी जो सत्ता होती है आत्मा के लिए, तो आत्मा की जो तीसरी सत्ता है उसे हम वो कहते हैं कि वो तीसरी सत्ता जो है वो पारमार्थिक है, उसका कभी खंडन नहीं होता, वो परम सत्य है। ये सत्य सत्य नहीं है, ये सत्य बदलने वाले सत्य है। परम सत्य क्या है? तो कहते हैं परम सत्य वो हुआ कि जो कभी नहीं बदले, यानी मैं जो हूं वो कभी नहीं बदलता, तो वो परम सत्य क्या है? तो वो कहते हैं नींद के अंदर हमें, तो वो परम सत्य है। नींद में ये दुनिया क्यों नहीं रहती है? जब मैं गहरी नींद में हूं, जब मुझे कोई स्वप्न नहीं आ रहा, उस समय ये दुनिया है या नहीं है, तो मैं उस दुनिया उसमें मेरे साथ कौन है? तो उसमें केवल मैं अकेला हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं रहता। तो वो कहते हैं उसे ही वो कहते हैं, उसी से उन्होंने प्रत्यय निकाला कि हम ब्रह्मास्मि, कि यानी कि नींद के अंदर जो है मैं ही हूं, ये संसार नहीं है, मैं हमेशा रहता हूं। मैं संसार में जब नींद में हूं तो भी मैं रहता हूं, जब मैं जग रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, और जब मैं स्वप्न दे रहा हूं तो भी मैं देख रहा हूं। तो मेरा होना तीनों काल में सिद्ध है, इसलिए मैं ही सत्य है। मैं के अलावा जो कुछ भी चीजें हैं वो थोड़ी देर के लिए सत्य है, जैसे स्वप्न थोड़ी देर के लिए सत्य है, जागृत भी थोड़ी देर के लिए सत्य है। जैसे मैं अपने आप के जितने विशेषण लगा लूं कि मैं ये हूं वो हूं, पर ये सब बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी भाषण सुन रहा हूं तो उसमें मेरा रूप श्रोता रूप है, और जब मैं बोल रहा हूं तो वक्ता हो गया, तो मेरा श्रोतापन कहां गया? तो ऐसे ही हम जितने भी धर्म हमें दिख रहे हैं वो सब धर्म थोड़ी देर के लिए होते हैं, थोड़ी देर के बाद में गायब हो जाते हैं। मैं दुकानदार के पास जा रहा हूं तो मैं ग्राहक के रूप में जा रहा हूं, डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूं तो डॉक्टर साहब मुझे ग्राहक नहीं समझते, मरीज कहते हैं, मरीज आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, तो वो मरीज के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम जितने भी रूप धारण करते हैं वो वास्तविक रूप नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए रूप है। पूरा संसार इसी तरह के उपाधियों से ग्रस्त है, और इसी ग्रस्तियों को मान करके हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारा रूप है, पर ये असली रूप नहीं, असली रूप तो केवल मेरा है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं हूं, मेरे अलावा वही दल जाए। सांसारिक जितने भी ज्ञान है, सांसारिक जितने भी ज्ञान है वो सब ज्ञान बदलेंगे। साइंस जो भी खोज करती है वो बदलती रहती है, उसमें संशोधन होते रहते हैं, नई नई खोजें होती रहती है बार बार। तो नई नई जो चीजें आती है हमारे सामने, इसका मतलब जो पहले हमने खोजा वो क्या हुआ था? तो बदल गया। तो जो बदलता है वो वास्तविक नहीं सुनता। इसलिए उन्होंने माना कि जो हमारी आत्मा है या ईश्वर है, चेतना है, वो क्या है? उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता जो है एकदम त्रिकालिक सत्ता है, भूत भविष्य वर्तमान, उसकी सत्ता कभी खंडित नहीं होती। जिनकी सत्ताएं बदलती रहती हैं उनको हम सत्य कैसे मान लें? तो उसमें एक तो सत्ता है, सत्यता है, वही एक वास्तविक है, बाकी सब असत्य है, एक तो ये बात आई। दूसरी उसमें ज्ञान है, और वही ज्ञान है वही लोगों का निर्णय करता है, उसका निर्णय कौन करे? तो उसमें ज्ञान है, उसके अंदर क्रिया है। क्रिया क्या है? तो कहते हैं क्रिया, जैसे मेरे तीनों काल में मैं जब सो रहा हूं तो भी मैं क्रियामान हूं, मैं जग रहा हूं तो भी क्रिया हो रही है, और स्वप्न में भी क्रिया हो रही है। स्वप्न में मैं क्या देख रहा हूं? कि स्वप्न में मैं बहुत सी क्रियाएं देख रहा हूं, एक पिक्चर देख रहा हूं, और उस पिक्चर को मैं देख रहा हूं तो वहां क्रिया मेरे अंदर चल रही है। जग रहा हूं तो मैं क्रिया कर ही रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो ये भी क्रिया हो रही है। जब मैं नींद में हूं तो भी मेरा शरीर उतना ही कार्य करता है। भले ही आपको लगे कि नींद में ज्ञान खत्म हो गया हो, ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, कि नींद उसे कहते हैं, योग सूत्र कहता है कि नींद वो है जिसमें ज्ञान नहीं रहे, शून्यालंबन वृत्ति निद्रा, कि जब हमारा ज्ञान एकदम शून्य हो जाए, ज्ञान नहीं रहे, जीरो ज्ञान हो जाए, तो उसे नींद कहते हैं। जीरो ज्ञान होने पर भी शरीर काम करता रहता है, तो शरीर में सब कुछ हो रहा है, शरीर में खाना पसना, भूख लगना, प्यास लगना, शरीर में मल मूत्र का त्याग करना, ये एकदम गहरी नींद में भी समुची क्रियाएं चलती रहती है, और शरीर अपने आप उसको सुव्यवस्थित करता है। जैसे एक फोन को हम रिचार्ज करते हैं वैसे शरीर हमारा रिचार्ज होता है। ये जो शक्ति है उसे क्रिया शक्ति कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, इस तरह से हम आत्मा में क्या चीज माने, किसी कहें आत्मा, तो उन्होंने कहा कि आत्मा में तीन चीज हम कहें, सत चित आनंद, सत रूप, चिद रूप और आनंद रूप आत्मा होती है, जिसकी सत्ता हमेशा है, जो ज्ञान है, और तीसरी जो उसमें रूप है कि वो आनंदमय है। आत्मा, आत्मा को कोई चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार जो है उसके लिए कोई भी, उसके लिए प्राप्तव्य नहीं है। ये सब जो प्राप्तियां जिसके लिए हम भाग रहे हैं वो
देह की है, आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मा तृप्त है। तो आत्मा में फिर क्या चीज हुई? तो कहते हैं कि आत्मा को अगर हम समझना चाहते हैं कि चेतना, असली चेतना क्या है, परम चेतना क्या है, जिसे हम परम चेतना कहते हैं, उस चेतना में क्या चीजें हो सकती है? तो कहते हैं उसमें पांच चीजें हो सकती है। एक तो वो सब कुछ कर सकता है, वो किसी से कुछ भी कर सकता है। अब दो चीजें हमारे सामने आती है आत्मा की, हम दो भेद कर लें मोटा मोटी। एक तो हम कहेंगे जीव और एक शिव। शिव क्या है और जीव क्या है? तो शिव और जीव में जो भेद है, तो जीव क्या है और शिव क्या है? तो जीव मतलब हर प्राणी में एक जीव है और इसको आत्मा कहते हैं, और एक परमात्मा जो है वो सबका मालिक जो है वो है। इन दोनों में अंतर क्या? तो अंतर यही है कि जो जीव, ईश्वर की बात करें हम, उस ईश्वर को कहा कि वो सब कुछ कर सकता है, सर्वकर्तृकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं जो हमारे बस की हों। हर व्यक्ति की एक सीमा है, उस सीमा में वो कुछ कर सकता है, उसे कला कहते हैं कि हर व्यक्ति में कलाएं हैं और वो कलाएं कुछ चीजों करने की क्षमता है। सब कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। हर मनुष्य में अविद्या है। अविद्या का अर्थ है कि इसमें थोड़ा सा ज्ञान है, अपने विषय का ज्ञान है, जिस चीज को पढ़ता लिखता समझता उसके बारे में बोल सकता है, सब कुछ वो नहीं जानता, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो उसमें सर्वज्ञता है, इस जीव में अविद्या है। ईश्वर में नित्य तृप्तता है। तीसरी जो विशेषता इस परमात्मा की कि वो नित्य तृप्त है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको पूर्ण तृप्त है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छाएं उसकी खत्म हो चुकी हैं और वो हमेशा खुश रहता है। हमारी क्या है, हमें संसार में जो चीज अच्छी लगती है उसकी इच्छा करते हैं, और जो बुरी लगती है उसको हम छोड़ना चाहते हैं, उसके प्रति घृणा, राग द्वेष हमारे अंदर है। ईश्वर नित्य तृप्त है। और इसी तरह ईश्वर जो है वो नित्य है। नित्य का अर्थ है कि वो हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, क्योंकि वो अमर है, उसका कभी नाश नहीं होगा, उसकी न उत्पत्ति है न विनाश है। पर हम जो जीव है, उस जीव एक काल में हुआ, हम सब एक काल की सीमा में है, क्योंकि हम जीव भाव में है, इसलिए हम लोग किसी काल तक रहेंगे, उस काल के बाद में हमारा फिर हम वापस इस शरीर को छोड़ देंगे। शरीर के साथ हमारा संयोग जो है वो कुछ काल के लिए है, तो हम कालिक सत्ता है, उसकी नित्य सत्ता है। और पांचवी जो बात है, पांचवा जो भेद है, वो ईश्वर स्वतंत्र है, वो किसी से कुछ भी कर सकता है, किसी चीज को लेकर कुछ भी कर सकता है। हम किसी से कुछ नहीं कर सकते, हम ये ढूंढ रहे हैं किससे क्या किया जा सकता है, हमारी नियति है, उसमें स्वतंत्रता है। तो ये जो पांच भेद हैं आत्मा के और परमात्मा में भेद हैं, जीव में जो ये चीजें संक्षिप्त रूप में रहती हैं, संकुचित रूप में रहती है, आत्मा में विस्तृत रूप में रहती है। तो ये जो 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों से हम समझ सकते हैं कि आत्मा क्या है। तो हम अगर आत्मा को पराचेतना कहते हैं, तो पराचेतना जो है वो ही हुई जो सर्वज्ञ है, जो सर्वकर्तृक है, जो नित्य तृप्त है, जो नित्य है और स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पांच प्रधान शक्तियां हैं, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है वो सृष्टि कर सकता है, वो पालन कर सकता है, और वो संहार कर सकता है, और इसके बाद में वो दो चीज और करता है, अनुग्रह और निग्रह। तो ये पांच चीजें जो है किसी पर कृपा करता है और किसी को दंड भी दे सकता है। तो ये पांच चीजें जिसमें होती है, वो पंच इसके ब्रह्म है, ब्रह्म के पांच स्वरूप है। ये कश्मीर से बताए कि पांच के अनुसार वो जो ईश्वर में पांच है, मनुष्य में पांच संक्षिप्त रूप में है, संकुचित रूप में है। तो इन पांच से हम संकुचित रूप में है और वो विस्तृत रूप में है, इसलिए हमारे में उसमें भेद नहीं है। क्यों नहीं भेद है? कि हम एक चिंगारी है और वो आग है। आग में और चिंगारी में कोई भेद नहीं होता, पानी की एक बूंद में और समुद्र में कोई भेद नहीं होता। हम बिंदु रूप है और वो सिंधु रूप है, वो विशाल है। तो जो विशाल तत्व है, जो इसको परासत्ता कहते हैं, वो विशाल रूप में, और हम इसके संकुचित और क्षीण रूप में, बिंदु रूप में, इसलिए पांच चीजें होती है। अब इसमें क्या है कि जो संसार है, इस संसार में दो बातें आती है, एक माया और एक शुद्ध विद्या। तो माया क्या है? तो माया के लिए उन्होंने कहा कि जब हम भेद करते हैं कि संसार अलग है और शिव अलग है, इन दोनों का जो भेद है वो माया कहलाती है। माया के कारण हम दो चीज समझते हैं कि एक संसार और एक ईश्वर, दो चीजें समझते हैं। इन दोनों चीजों में जब अभेद स्थापित हो जाए, भेद खत्म हो जाए, उसे शुद्ध विद्या कहते हैं। और शुद्ध विद्या के बाद में और आगे का भेद यही माना उन्होंने कि मैं ईश्वर हूँ और जगत को इस रूप में देख रहा हूँ, जगत मेरा कार्य है और मैं इसका करता हूँ। तो वो ईश्वर रूप है और सदाशिव रूप में वो देखता कि जगत का मैं कार्य करता नहीं, मैं ही जगत हूँ, मेरे में और जगत में कोई भेद नहीं है। इसके बाद में केवल दो तत्व बचते हैं, अंतिम तत्व, इसको हम शिव और शक्ति कहते हैं। शक्ति तत्व क्या और शिव तत्व क्या है? शिव जो है वो शिव ज्ञान रूप है, ज्ञान ही सब कुछ है, चेतना ही सब कुछ है, चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसकी जो शक्ति है, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति को हम कहते हैं कि इच्छा शक्ति उसके अंदर है, शिशिक्षा, जगत उत्पत्ति की तरह से शक्ति कहते हैं। तो शिव और शक्ति दो तत्व हैं, शिव और शक्ति दो तत्व हैं। शिव में और इन दोनों में भेद नहीं है, अलग अलग नहीं कर सकते आप। केवल समझाने के लिए हम भेद कर देते हैं, नाम दो कर देते हैं,
शिव की जो जो इच्छावान जो है, इच्छा करने वाला व्यक्ति शिव है, और शिव जैसे अग्नि, और अग्नि की शक्ति में भेद नहीं किया जाता, अग्नि की शक्ति जलाती है और दाहकता उसके अंदर है, पर दाहकता अग्नि से भिन्न नहीं है, ऐसे शिव से शक्ति भिन्न नहीं है। तो शिव और शक्ति दो प्रधान तत्व है, इन दोनों को एक ही तत्व मानते हैं, दोनों में एकदम एक ऐसा संबंध है, और उससे हम सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, ये हमारे तत्व हैं। इस तरह से उन्होंने माना कि 12 तरह से हम इस आत्मा का विवेचन करते हैं। मूलतः जो आत्मा का विवेचन है वो 12 तरह से हुआ, जिसे हम पुरुष तत्व कहते हैं, उसको शिव से लेकर के पुरुष तक, यानी जीव की आत्मा तक लेकर 12 स्थितियां हैं। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, कला, अविद्या, राग, काल और नियति और पुरुष, ये 12 चीज है। इसमें उन्होंने कहा कि हम चेतना का विस्तार करते हैं, इसमें चेतना को हम समझ सकते हैं। संसार को समझना है तो संसार के लिए उन्होंने कहा कि 24 तत्व हैं, इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 एक मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और उन्होंने कहा कि 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। तो 24 तत्व संसार में जो कार्य कारण से हैं वो बदलते रहते हैं, उनमें उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, पर इस आत्म तत्व का जो खेल है, उस खेल में, परम सत्ता के खेल में कोई भी चीज बदलती नहीं है, वो हमेशा वैसी की वैसी रहती है। इसमें ये अलग तरह की दुनिया है और ये अलग तरह की है, इसलिए उसे हम नित्य तत्व कहते हैं। और प्रकृति जो है, प्रकृति जो है वो बदलती है, पर वो भी नित्य ही है। उन्होंने कहा दोनों ही नित्य हैं, प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है। प्रकृति की नित्यता प्रवाह नित्यता है, वो नदी की तरह बह रही है, हमेशा चल रही है। जैसे हम एक बीज को देखते हैं, तो बीज जो है वो बीज में पेड़ है या नहीं है, बीज से अंकुर बनता है, अंकुर से पौधा, और पौधे से पेड़ बनता है, और उस पेड़ में फिर बीज लगता है, वो फल आता है, फिर बीज आ जाता है। तो अब इनमें जो बीज और पेड़ है, ये क्या क्या चीज है? तो क्या बीज से पेड़ तक की यात्रा है, पेड़ में बीज है, बीज में पेड़ है, असली में है क्या? जब मैं बीज को देख रहा हूं तो मैं सोचता हूं बीज ही है, पर उस बीज में पेड़ है या नहीं है? तो कहते हैं इस बीज में पेड़ होता है, वो दिखता नहीं है, उसे वो कहते हैं अव्यक्त रूप है। तो ये जो चीजें अव्यक्त है, अव्यक्त चीजों की हम कैसे खोज कर सकते हैं? तो बीज को कितना भी आप अध्ययन कर लें, उस बीज में कितना बड़ा पेड़ है ये नहीं बता सकते आप। ऐसे जब हम पेड़ को देखते हैं, उस पेड़ में बीज है या नहीं है, पेड़ बना किसे? तो बीज से ही तो बना है। तो बीज जो है वो एक छोटी सी चीज है, और छोटी सी चीज बढ़ करके इतना बड़ा पेड़ बन गया, पीपल का पेड़ बन गया, सब बीज तो छोटा सा था। उस बीज को देख करके हम पेड़ का कैसे अंदाज करें, या पेड़ को देख के बीज का अंदाज कैसे करते हैं? नहीं कर सकते, पर हम ये तो मान सकते हैं बीज ही पेड़ है, पेड़ ही बीज है। अगर ये मान लें, इसका मतलब दुनिया में कुछ भी बदला नहीं है। वो कहते हैं जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु है, तस्मात अपरिहार्य अर्थ है न तुम सोचो तुम ऋषि। गीता में भगवान कहते हैं कि इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ये संसार भी ऐसे ही है, संसार बीज रूप है या पेड़ रूप है, तो बीज या कारण रूप है या कार्य रूप है। तो ये कारण और कार्य के बीच में निरंतर घूमता रहता है, ये परिवर्तित होता है, पर वास्तव में परिवर्तित नहीं होता है। आप समझ रहे हैं कि बीज से पेड़ बन गया और पेड़ से बीज बन गया, वो एक ही तत्व बार बार निरंतर घूमता रहता है, बदलता हुआ दिखता है, पर बदला नहीं है, इसलिए वो भी एक ही तत्व है और ये भी एक ही तत्व है। तो जो संसार जो है, इस संसार को डॉक्टर साहब थोड़ा समय का, हाँ बस मैं भी, हाँ बस मेरा हो गया है। तो इस तरह से उन्होंने सांख्य ने इसको समझा दिया, और मैं जो मुख्य बातें मैं इसमें कह चुका हूँ। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि आत्मा जो है, उस आत्मा को उन्होंने नित्य माना, संसार को भी नित्य मान लिया कि दोनों ही नित्य है, संसार की नित्यता बदलती है, इसलिए हम कहते हैं जन्म हुआ। तो कृष्ण का तर्क था कि जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगी उसका जन्म भी होगा, इसलिए तो ये चीज भी वैसी अमर है, सभी चीजें अमर है। और अमर के साथ जो वेदों का मूल सिद्धांत था, अमरता था। कुछ लोग मानते थे कि इसके विपरीत थे, कि वो लोग कहते हैं कि नहीं बदलता नहीं है, जन्म और मरण साथ चलते हैं। बुद्ध ने ऐसा कहा कि अनात्मवाद बुद्ध का है, कि बुद्ध कहते हैं कि चीजें उत्पन्न होती है, साथ में नष्ट भी हो रही है, फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है। तो उन्होंने माना कि क्रम है, आत्मा एक क्रम है, प्रवाह है, नदी के प्रवाह की तरह। जिस पानी को हम देख रहे हैं वो पानी अगले क्षण नहीं रहेगा, पर उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। इस तरह आत्मा बदलती रहती है। तो विज्ञान में जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अग्रवाल साहब ने, कि वो बदलते हुए रूप को देख रहे हैं, कि उनका जो रूप है, उनका जो खोज है, वो उस तरह से जाएगी। जो यथार्थ दृष्टि या जिसको हम कहें कि सांसारिक दृष्टि है, उसमें लगता है कि आत्मा बदल रही है, और शरीर में क्या क्या बदल रहा है, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब ब्रेन में क्या क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, तो ये इनका अध्ययन तो ये बदलना वाला है। तो इसमें नित्य आत्मा की बात नहीं, इसमें परिवर्तनशील आत्मा की बात है, जो अनेक एक समूह की बात है। वो आत्मा का एक मतलब एक भौतिक विज्ञान के साथ स्वरूप है, और हमारा जो विज्ञान है वैदिक विज्ञान, उसका आत्मा का अलग है। ये दो ही रूप है। इसी के साथ में आपने सबने मेरी बात सुनी, सबके लिए धन्यवाद। बाकी आपको भी जिज्ञासा कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका।
आज तो वाकई मुझे लगता है कि मेरे पास आज तो वाकई शब्दों की कमी है, क्योंकि दो दो वक्तव्य ऐसे सुनने को मिले हैं जो नितांत भिन्न धाराओं से आ रहे हैं, लेकिन वो एक पूर्णता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों तरह की जितनी सूचनाएं और जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, जितना ज्ञान चल करके हमारे पास आया है, इसका समन्वय हमारी चेतना में हो। चेतना के विषय में जो ज्ञान आज अर्जित कर रहे हैं, उसका चेतना में प्रॉपरली समन्वय हो जाए, सिंथेसाइज हो जाए। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। और लेकिन फिर भी ये बात अपेरेंटली जितनी हमें लग रही थी आसान, और लग रहा था कि ये बड़ा स्पष्ट विषय है, लेकिन अभी भी बातें बहुत सारी ऐसी लग रही हैं कि हमें जाननी चाहिए, और अभी इसके कई पक्ष हैं जिसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। तो यदि आप श्रोताओं में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है या कोई टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से इस दौरान मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कॉन्शियसनेस को, ठीक है कि माइंड कॉन्शियसनेस और उसके जो हम तीन विभाजन करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब बॉडी कॉन्शियसनेस की बात आती है, या अपनी एग्जिस्टेंस का ज्ञान ब्रेन को कैसे होता है? मैं हूं ये तो 24 घंटे मेरे भीतर ही है। आप कह सकते हैं कि ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये फिलोसफिकल क्वेश्चन होने के साथ साथ डॉक्टर मेरे एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ भी तो है ना। कॉन्शियसनेस तब तक ही है जब तक मुझे ये एहसास है कि आई एम। इफ दिस एक्सपीरियंस इज नॉट देयर, meaning of consciousness will not make any sense, I think so. So what is your response, sir? Sir, unmute करें अपने को, unmute करें। Subjective question है जी, maybe। I am conscious of something, मुझे मालूम है मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। अब ये सारी चीजें, इनके लिए मैंने बताया था कि intricate process है। Intricate in the sense के messages are brought to the body through various routes। अब skin से आया, muscle से आया, ear से आया, eye से आया, nose से आया, and all those things finally are analyzed in the brain in different parts and finally intricated with each other to tell us that we are there, I am there। पर फिर यहाँ question उठता है के a patient blind, एक आदमी blind है, वो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता और ब्लाइंड भी है, तीनों चीजें उसके अंदर है, तो क्या वो कॉन्शियस है कि नहीं है? यस, ही इज कॉन्शियस ऑफ अदर थिंग्स, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज हंगर, हिज इमोशंस, वो सारी चीजें हैं ना उसमें। तो कॉन्शियस एक खाली एक सिंगल वर्ड को लेके कॉन्शियसनेस नहीं चल सकते हम। एक डॉक्टर बॉयड थे, उन्होंने ही वॉज ए साइकियाट्रिस्ट बेसिकली, अब साइकियाट्रिस्ट मन की बात करते हैं, वो उनको खुद को कैंसर हो गया, पैरोटिड ग्लैंड, एक यहाँ पर ग्लैंड होता है चेहरे में, दोनों साइड में रहता है, तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है वो, तो उसका कैंसर हो गया उनको। ही टर्न टू ए पैथोलॉजिस्ट, वो पैथोलॉजी के ऊपर एक किताब लिख गए पूरी, और वो किताब हम सब ने पढ़ी। अब बिकॉज वो मानसिक रोगों का इलाज करते थे, उन्होंने बॉडी जब डाइसेक्ट किया तो उसमें मन को ढूंढने लगे, तो अपनी किताब में लिखते हैं कि आई हैव डाइसेक्टेड द होल बॉडी बट आई जस्ट कुडंट फाइंड आउट वेयर मन रिजाइड्स, मन कहाँ है, कहाँ रह रहा है, हार्ट देखा, ब्रेन देखा, सब चीजें देखी, लेकिन मन नहीं मिला मुझे कहाँ है जी। अब इस मन का जवाब मिला आगे जाके, जब डॉक्टर साहब तो रही नहीं रहे, ये बात सन हमने उनकी किताब 72 में पढ़ी थी, 1972 में। अब आज के डेट में क्या चलता है कि वो मन को लगे ढूंढने, भाई ये मन कहाँ है, मेरा दिल करता है मैं रोटी खाऊं, मेरा दिल करता है मैं गुलाब जामुन खा लूं, वो मन कहाँ है? वो मन ढूंढने में भी नहीं मिला, वो मन गया कहाँ? तो एक हिप्पोकैम्पस जगह है ब्रेन के अंदर, कहते हैं कि भी शायद इसमें मन रिजाइड करता है, लेकिन आज भी मन का नहीं पता कहाँ है। सेकंड क्वेश्चन आता है ज्ञान की। हमने कहा कि आत्मा नश्वर है, अलग अलग तरीके से हुआ, नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पाप काले, जन्म ले दंती आपो न शोषति मारुता, ये सब चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। प्रश्न ये है कि किसी ने बोला कि जो आत्मा है ये एक एनर्जी है, आत्मा ही मन है। अगर आत्मा मन है तो आत्मा को भूख क्यों लगी? आत्मा को क्यों दिल किया कि मैं आलू ये खाऊं, आलू की टिक्की खाऊं?
क्योंकि आत्मा को तो ऐसा कुछ है नहीं। सवाल आया कि ज्ञान आत्मा में जाता है कहीं और नहीं जाता? अगर आत्मा ज्ञान लेके चलती है तो आज मैं डॉक्टर हूँ, क्या मेरी आत्मा जब चली जाएगी किसी दूसरे शरीर में तो क्या उसको ये सारी बातें याद रहेंगी मेरी जो ज्ञान वाली है? वो कहाँ जाएंगी बातें? वो ज्ञान लेके चलेगा आगे? Shall I become a super doctor by that time? ये सारी आगे चलूंगा, वो नॉलेज गया कहाँ? उस नॉलेज का जवाब उन पेशेंट से मिला जिनके कुछ हिस्से ब्रेन के खराब हो गए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे अपने बेटे का एक्सीडेंट हो गया था एक बार, बड़ा बेटा लॉयर है, उसको 10 दिन ये नहीं पता उसको कौन मिलने आया कौन नहीं आया। वही बात होगी जो उसके उस हिस्से में सोजिश आ गई जिस हिस्से ने इमीडिएट कोई चीज को ग्रैब करना है और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है, तो उसकी जो पुरानी मेमोरी उसको याद है। उसने अपने एक दूसरे वकील को बुलाया कि मेरे केस लगा हुआ है, तो यार ये उस केस की फाइंडिंग्स ये हैं, तो आप ये कल को फाइट कर लेना, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। वो वकील चला गया वापस यहां से, तो मैंने पूछा भाई तेरे को केस याद था अपना? बोले कौन सा केस, कौन आया था? मतलब जस्ट 5 मिनट्स के अंदर वो साफ हो गया सब, किसको मिला था, किसको बोला कि भैया वो केस लड़ लेना? कहता केस तो है मेरा, लेकिन मैंने लड़ने के लिए तो नहीं बोला किसी को। सो मींस वो ज्ञान कहां गया? वो ज्ञान आत्मा में है तो फिर आत्मा तो कुछ बिगड़ता नहीं, ना चोट लगती है उसको। नैनम छिंदंती शस्त्रा, नहीं शस्त्र भेदता नहीं, नैनम दहती पाव का वो उसको आग जलाती नहीं, न चैनम क्लेदंती आप न शोषित इमार उसको ये हवा सुखा नहीं सकती, गीला नहीं कर सकती किसी तरीके, पानी गीला नहीं करता। तो फिर भाई ये कहाँ है वो आत्मा? वो आत्मा हमारे अंदर वाकई मैंने भी महसूस किया वो आत्मा है, बिकॉज 2-3 बार मेरे साथ ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके जहां पर मैं वाकई सोचा कि भैया है आत्मा भाई। कई सारी चीजें मैं वो यहाँ शायद ना बताना चाहूँ। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि भाई क्या आत्मा को भूख लगती है? मैं रिसेंटली पुनर्जन्म के बारे में पढ़ रहा था। जी जी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो अपने पुनर्जन्म को याद करता है, बताता है कि 12 दिन मैं अपने घर में रहा लेकिन मेरे को कुछ सुनता ही नहीं था। उसका एक्सीडेंट होता है बच्चे का, मतलब आदमी का, वो दोबारा जन्म लेता है किसी और शहर किसी और गांव में, वहां से वापस वो दूसरे गांव में जाके सबको पहचानता है। अब उससे पूछता है पत्रकार के, भाई तुम कहाँ रहे? कहता 12 दिन तो मैं अपने घर में ही रहा पर मुझे कोई सुनता ही नहीं, कोई देखता नहीं, भूख लगे कोई खाने को नहीं देता। अब प्रश्न आया कि आत्मा को भूख लगती है क्या? उस बच्चे ने बोला मुझे भूख लगती थी। बोले फिर क्या किया? कहता वहां नीम का पेड़ हमारे घर के बाहर, तो मैं नीम के पेड़ पे बैठा रहता था, पत्ते खाता रहता था। तो क्या आत्मा पत्ते खाती है? हर्बीवोरस है। अब इन चीजों का जवाब नहीं है कई चीजों का। आगे आता है कोमेटोस, अब चेतना की बात होती, चेतना वाकई नहीं है कोमेटोस पेशेंट में, चेतना नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, बट स्टिल ही उसके 5-6 ग्रुप हैं। एक आदमी फुली कोमेटोस है, एक अराउजेबल है, एक आदमी को हम टच करते हैं तो वो आंख खोल देगा, एक को हम पिंच करेंगे तो वो थोड़ा सा ग्राइमेस करेगा उसका चेहरे पे कि भाई मुझे तकलीफ है, बट चुंडी मत मारो मुझे, बट ही स्टिल देयर। फिर आता है मन का, वो मैंने बता दिया आपको, मन का किसी को पता नहीं है एक्चुअली। अब वो ज्ञान मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया मेरा ज्ञान कहाँ स्टोर हो रहा है। अगर वो ज्ञान मेरी आत्मा में स्टोर हो रहा है तो जब मेरी आत्मा अगला जन्म लेगी तो वो ज्ञान उसके साथ जाना चाहिए। इस चीज का जवाब मुझे, मेरे पास भी नहीं है, आई डोंट नो, अगर है तो मुझे बताएं, आई डोंट नो। ये तो डॉक्टर साहब, हालांकि ये जो बातें आप कह रहे थे, ब्रायन वीस को जब मैंने पढ़ा उसके बुक्स को, तो मेरे मन में भी ये बड़ी जिज्ञासा थी कि ये क्योंकि कॉन्शियसनेस है तो पुनर्जन्म में कैसे कैसे वो इन चीजों को हैंडल करते हैं, और वो ही इज अ डॉक्टर, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भी वो गलत कर रहे होंगे। तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की है अपनी पेशेंट्स की हिप्नोसिस के थ्रू और बाकी सारी प्रैक्टिसेस के थ्रू, तो वो कई कई जन्मों की बात पता लग रही है। डॉक्टर राजेंद्र जी, आपकी क्या राय है इस विषय में? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि वो ज्ञान कहाँ है और ज्ञान किसमें है। क्योंकि हमने ये माना था कि ज्ञान आत्मा में होता है ना, आत्मा का गुण है ज्ञान, तो वो ज्ञान से हम शरीर की बात कर रहे हैं, तो ये जो शरीर है, इस शरीर को हम भेद कहते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं शरीर के। एक स्थूल शरीर है जिसको मतलब आप इसको मतलब बोलें जो फिजिकल जो हमारे शरीर है, जो दृश्यमान जो शरीर हो रहा है, ये हमारा एक भौतिक शरीर है। इस शरीर के बाद में एक शरीर मानसिक शरीर होता है, तो उन्होंने कहा कि इसके 5 भेद करते हैं, जैसे उपनिषदों में कि 5 है। एक को तो कहते हैं कि भाई अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो वेद में व्याख्या है कि अन्नमय जो कोष है
जिसको भूख लगती है वो अन्नमय कोष है, इस शरीर को भूख लगती है जिसको भूख लगती है उसे हम प्राण कहते हैं। जब मृत्यु होती है तो आत्मा मरे हुए के शरीर में भी रहती है। आत्मा जो है क्यों, आत्मा कहीं नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी कि आत्मा अजर अमर शाश्वत है, आत्मा इटर्नल है, विभु है, तो जाएगा कौन, तो प्राण जाएंगे। तो प्राणमय शरीर जो है, अन्नमय शरीर जो है, अन्न की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमारे प्राण धारण करें। प्राण एक अग्नि है जिससे हम श्वास ले रहे हैं, जैसे हमारे जठराग्नि में प्राण होते हैं, हृदय में प्राण होते हैं, हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन जाती है और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनके वापस आती है, तो प्राणमय जो शरीर है ये प्राणमय शरीर है, अन्नमय से प्राणमय चलता है। अन्न नहीं खाएंगे तो हमें लगा कि सब कुछ भूल गए, अगर मैं एक दिन भूखा रहूं प्यासा रहूं तो सब कुछ मैं भूल जाऊंगा, जब खाऊंगा तो सब याद आने लग जाता है, स्मृतियां आ जाती है। इसका मतलब अन्नमय, अन्नमय से हम प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय शरीर क्या है, तीसरा शरीर है मनोमय, इसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मनोमय को उन्होंने कहा कि जो हम योग में जो साधनाएं होती हैं इसमें षटचक्र होते हैं, कुंडलनी होती है, उसमें वो मनोमय शरीर है, वहां जो सहस्रार है, मस्तिष्क के हम सहस्रार मानते हैं, मूलाधार मानते हैं, तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, ये सब जो चीजें हैं वो मनोमय कोष में, ये मन के द्वारा बनती है, मन के द्वारा हम इनको देख सकते हैं। इनको आप आंख बंद करके देख रहे हैं, तो आंख बंद करके कैसे देखते हो, जो चीज हम आंख से देखते हैं तो विषय सामने होता है, क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो उसमें आंखें बंद होती है। सपने में हम चलते हैं तो पैर से नहीं चलते हैं, सपने में भागते भी हैं, पसीने भी आते हैं, तो कैसे करते हैं, तो वो एक अलग शरीर है, उसको मानसिक शरीर कहते हैं। तो जो मानसिक शरीर है वो एक अलग तरह का शरीर है, तो इनका कनेक्शन है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, और इसके बाद में जो ज्ञानमय, जो विज्ञानमय, बुद्धिमय कोष है, उसके बाद आनंदमय कोष, तो पांच तरह के कोष है। शरीर के भी भेद करते हैं, स्थूल शरीर है, इंद्रियां जो और भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद में कारण शरीर है, फिर कारणातीत शरीर भी है। तो ये शरीर के हम कई भेद करते हैं, तो वो ज्ञान कहाँ जाएगा, तो कहते हैं हमारा जो जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद में, जैसे आप मृत्यु कहते हैं तो शरीर में आत्मा तो वहीं रहती है, आत्मा कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है। आत्मा की जो हम व्याख्या करते हैं कि आत्मा क्या है, मेरी आत्मा सब में है, खाली मेरे शरीर में नहीं होती आत्मा, जो ये मानते हैं कि आत्मा सर्वत्र है, सब में आत्मा है मेरी, क्योंकि आत्मा भूत में भी जाती है, भूतकाल में जाती है, भविष्य में जाती है, आने की बात कर सकती है, पीछे आत्मा को समय नहीं लगता कहीं भी जाने में, इसलिए आत्मा को हम सर्वत्र और विभु कहते हैं। गीता कहती है कि आत्मा सर्वत्र है, तो वो आत्मा सर्वत्र है, वो केवल शरीर में नहीं रहती है, जैसे हम सोचते हैं शरीर के अंदर आत्मा थी, ऐसा कोई नहीं है, आत्मा शरीर के मरे हुए में रहती है, केवल प्राणों का त्याग होता है, हम ये मानते हैं मृत्यु इसको हम कहते हैं, उसमें केवल प्राण शरीर खत्म होता है, प्राण खत्म हो जाते हैं तो शरीर क्रिया, प्राण खत्म होती है, क्रिया खत्म हो जाती है, और लगता है शरीर कुछ क्रिया नहीं कर रहा, भूख प्यास नहीं लगेगी, तो वो प्राणमय शरीर का अंत होता है। आत्मा तो रहेगी, आत्मा मरे हुए में भी रहेगी, आत्मा फिर भी आत्मा का जो ज्ञान वो अबाधित है, वो बाधित नहीं होता। अगला जो उसको शरीर मिलता है, अगला शरीर क्या कि वो आत्मा वायुमय हो जाती है, वायुमय शरीर में चली जाती है, फिर दिखना बंद हो जाती है, वायु के बाद में फिर वो और भी सूक्ष्म हो जाती है, और सूक्ष्म होकर के वो अगला जन्म लेती है। तो कहते हैं पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जिता भारिया, अग्रे धावती धावती, कि हम तो बिना पढ़े क्यों ज्ञान होता है हमें, बहुत सी चीजें हम पढ़ने पर भी नहीं आती, और कोई विषय में बिना पढ़े आता है, इसका मतलब पिछले जन्म से लेके आते हैं। तो ये हमारा जो अगला जन्म होगा वो ज्ञान हमारे साथ जाएगा, वो ज्ञान जब खाली ज्ञान ही लेके जाएंगे, जिसको हम कहते हैं धर्म, कि हम कहते हैं हमारे कर्म धर्म अधर्म दो ही चीज आ जाती है, हमारा ज्ञान ही अगले शरीर में जाता है, और कुछ ही जाएगा, इस शरीर से हम जो कुछ है ये सब यहीं रह जाएगा। अमरता है वो ज्ञान की है, जो भी ज्ञान है वो ज्ञान अमर हो गया। आप कहते हैं फ्रायड ने ये कहा, उसने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, क्योंकि उसका ज्ञान अमर होता है, तो ज्ञान ही अमर चीज है, वो ज्ञान ही नित्य रूप में अमर होता है, इसलिए ज्ञान उसके साथ जाता है, और वो ज्ञानमय शरीर लेके जाता है, उसके ज्ञान जो है वो साथ जाएगा, और वो ज्ञान उसके साथ रहेगा, अगला जब भी वो शरीर धारण करेगा उसमें ज्ञान रहेगा। इसलिए ज्ञान हम दो तरह से मानते हैं, कि एक ज्ञान तो हम सीखते हैं, जिसको हम सीख कर लेते हैं, वो हमारे अंदर पहले से नहीं था, एक ज्ञान हमारे में जन्मजात है, हम कहते हैं इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, इसमें बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान कैसे आया, तो पिछले जन्म से आ गया। इस तरह से कहते हैं ज्ञान आत्मा के साथ चलता है, और ज्ञान और आत्मा में अंतर ही नहीं है, हम कहते हैं ज्ञान और आत्मा एक ही है, इसीलिए कहते हैं ज्ञान है आत्मा जो डॉक्टर साहब ये तो हम इसी में ये हम उत्तर ऐसा और शायद इससे बड़ा हां जी ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं डॉक्टर हां बताइए शायद इससे भी ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा मेरा हाँ नहीं हो सकता हाँ, बिल्कुल अच्छा रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आत्मा कहाँ है भाई वो कहाँ निकल जाती है क्या निकल जाता है अंदर से तो उन्होंने एक आदमी को जो डाइंग पेशेंट था उसको बंद कर दिया एक डिब्बे में वहां वैक्यूम क्रिएट कर दिया और शीशे का डिब्बा था जब उस कहते हैं कि जब उसकी आत्मा निकली वहां से जब वैन ही डाइड अब हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं पेशेंट डाइड तो जैसी डेथ डिक्लेयर होती है वो शीशा क्रैक हो जाता है तो उसमें से कुछ निकला वो कोई एनर्जी है क्या है दे कुड नॉट एक्सप्लेन कि वो आत्मा थी क्या था अब
अब एक सेकंड क्वेश्चन एक और होता है कि क्या मन ही आत्मा है? ये मैं पहले भी पूछ चुका, मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्या मन आत्मा है? तो अगर वो मन आत्मा है तो मन को तो दिल करता है मैं रोटी खाऊं, मैं ये खाऊं, तो भूख लग रही है क्या आत्मा को? ये आत्मा का भी आगे विश्लेषण है आगे, कि आत्मा कुछ अलग टाइप की है, वो कुछ मांगती है कुछ नहीं मांगती, बहुत क्वेश्चन है जो डिबेटेबल है। जी जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने तो और इसका ना पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हम ना जब मेडिकल पढ़ते हैं तो हमारे को फ्रॉग दिए जाते थे, तो फ्रॉग में पकड़ लिया फ्रॉग, उसका आगे का हिस्सा काट दिया नोज का, जिंदा फ्रॉग का। तो जैसे हम नोज काट देते हैं फ्रॉग चलता है, लेकिन उसको सूंघना मुश्किल हो जाता है। अगर हम आगे कोई स्मेल वाली चीज रखते हैं वो स्मेल नहीं करता, हम और काट देते हैं उसके ब्रेन का हिस्सा। जब वो दूसरा हिस्सा काटते हैं जिसमें उसकी इमोशंस हैं, तो वो उसकी इमोशन वाला हिस्सा काट देते हैं, उसको समझ ही नहीं आता कुछ भी, उसको आप दर्द करो जो मर्जी करो, दर्द हो रहा है उसको महसूस, लेकिन वो इमोशन नहीं शो कर पा रहा, ग्राइमेस नहीं कर पा रहा, ऐसे चेहरे पे कुछ इमोशन नहीं दिखाता वो। फिर हम उसका ये आगे का हिस्सा टेस्ट वाला खत्म कर देते हैं, टेस्ट का हिस्सा जैसे ही ब्रेन का खत्म करते हैं, उसकी जुबान सही है लेकिन वो टेस्ट नहीं कर पाता, ऐसे ईयर जहां सुनता है वो हिस्सा काट देते हैं, इसी तरह देखने वाला हिस्सा काटते हैं, वो पलटी नहीं खा सकता, वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकता, वो एक जगह पड़ा है। तो दैट मीन्स ब्रेन के कुछ हिस्से तो रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए, जो ये सब चीजें रिसीव करते हैं। अब फ्रंटल लोब ले लो आप, हमारा फ्रंट का पोर्शन दिखाना फ्रंटल लोब, अब वो हमारे इमोशंस को कैरी करता है। जिन पेशेंट्स में फ्रंटल लोब में गनशॉट वुंड आ गया लेटर से, उसकी इमोशंस खराब हो जाती है, आप उसको देखिए कभी चेहरा उसका देखिए, फ्लैट फेस मिलेगा आपको, बहुत सारे पेशेंट्स इमोशनलेस हो जाते हैं। तो मे बी दे आर वन ऑफ देम, मतलब इस तरीके से हम लोग तो पेशेंट से देखते हैं, इस पेशेंट का ये हिस्सा डैमेज हुआ तो ये हुआ। अब उससे पहले हमें एक डड्डू दे दिया जाता है, एक डड्डू को पहले एक्सपेरिमेंट करते थे हमारे टाइम में, तो वो काट काट के देखते हैं, उसका जिंदा डड्डू का आगे का हिस्सा काट दिया, फिर अगला काट दिया, फिर है तो ये बड़ा डेंजरस काम, डेंजरस इन द सेंस इनह्यूमन है, हम किसी जीव का वो हिस्सा काट रहे हैं, लेकिन उससे सीखते भी है भाई। अब इसको आज की डेट में बोलते हैं सही नहीं है, एनिमल्स के ऊपर भी आप क्रुएल्टी कर रहे हैं, बट वी लर्न फ्रॉम दैट। अब इसका जवाब आप देखिए जी। सर ये है कि चेतना को अभिव्यक्त होने के लिए किसी शरीर की देह की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि चेतना है तो व्यापक, अब ये कहना भी बड़ा कठिन हो जाता है कि पंच महाभूतों से चेतना उत्पन्न हुई या उनके मिश्रण से चेतना उत्पन्न हुई, अब वो उत्पन्न हुई का मतलब क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, कि अगर वो सारे तत्व तो अगर निकाल दें तो क्या चेतना नहीं रहेगी? और उसका मैं सोचता हूँ एक एग्जांपल जवाब देता हूँ जी, हम ये सोचते हैं कि प्रोबेबली दिस इज सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत स्ट्रांग है और ट्रेवल भी करता जी। मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट मेरा बीमार पड़ा और जो उसको हो रहा है मैंने वही सपने में देख लिया, और एक बार नहीं तीन बार देखा, तंग आकर उठ के चला गया मैं मरीज देखने के लिए, और एग्जैक्टली आई कुड सी द सेम थिंग। एक बार मेरी ओबीगाइन वार्ड में ड्यूटी लगी थी, डिलीवरीज मुझे करनी थी, मैंने नर्स को बोला कि जैसे डिलीवरी होने वाली हो मुझे बुला लो, ठीक है मैं जाके सो गया। सोए हुए सपना आता है कि भाई वो बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन वो नर्स को उसको ठीक नहीं करना रहा, बच्चे ने सांस नहीं लिया, जब बच्चा मारा जाएगा। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू क्या कर रही है भाई, वो लेके उसको पेचकस से मशीन को ठीक करने लगी थी, सांस देना, तो भाई गलत हो रहा है। आई गॉट अप एंड देखा ड्यूटी रूम में पड़ा है, मैं कहा गलत, वैसे ही सपना आ गया, चलो कोई बात नहीं, फिर सो गया। अगेन आई सॉ द सेम ड्रीम, तीसरी बार जब देखा वही ड्रीम, मैंने 5-5 मिनट के इंटरवल पर मैं वहां डिलीवरी रूम में चला गया, दरवाजा खोला, देखा नर्स वाकई पेचकस लेकर उसको ठीक कर रही है, मैं क्या कर रही तू, अंबाला में एक पेशेंट दाखिल था, कॉलरा का पेशेंट था, उसका सपना आया कि वो पेशेंट जो है डॉक्टर मल्होत्रा थे, वो उसको मैं छोड़ के आ गया, उनके वाकफ थे पेशेंट, तो मैंने बोला भैया आप ग्लूकोज चढ़ा लेना रात को, मैं चढ़ा के चला आया, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मैनेज कर लेना, बोले आप कर लो, मैं आके सो गया घर पे। भाई मेरे सपना आता है कि वो लेडी बहुत खराब है, उसको दौरे पड़ रहे हैं और डॉक्टर मल्होत्रा के पसीने छूटे हुए हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे पेशेंट, यार बड़ा गलत हो गया।
उठ के देखा था मैं बेड में हूँ, मैं वैसे ही सपना आ गया, मरीज दाखिल हो गया, फिर सो गया, अगेन सेम थिंग, फिर मैं भागा उठा के गाड़ी में, चलो देखे वहां गए एग्जैक्टली सेम, डॉक्टर साहब पूछे तुम कैसे आए यार, तुमको बुलाया नहीं, मैं खुद परेशान बैठा हूँ, सोच रहा था अगर आप आ जाओ तो अच्छा, मतलब ब्रेन वेव आ गई यार, भगवान ने भेजा मुझे, एंड आई सॉ दैट पेशेंट एंड फाइनली वी मैनेज्ड, उसके मैंने ग्लूकोज चढ़ाया अलग से, यहाँ सीवीपी लगाते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करते हैं, वो लगा दिया, सुबह 6 बजे पेशेंट होश में आ गया जी, और 2:30 बजे करीब मैंने शुरू किया था उसको पेशेंट का ट्रीटमेंट, पर बिना बुलाए मैं चला गया, वही सपना मैं घर में देख के गया हूँ, वो चेतना है, वो प्रोबेबली वो सबकॉन्शियस माइंड है जो वेरी रात को सोए पड़े भागता इधर उधर देखता है सब, और उसने आके मुझे मैसेज दिया उठ भाई चल, फिर आया एक बार सपना मुझे इसके लिए, मैं सोया पड़ा सुबह 4 बजे कि भाई उठो, तुम्हारे मरीज, एक मरीज बैठा तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर, वो बच्चे को 3 दिन से दौरे पर है, जाके देखो आप उसको, मैंने कहा जी मैं नहीं, 4 बजे उठता सुबह तो मैंने नहीं जाना, बोले नहीं नहीं उठो तुम जाके वो करो उसको, अरे आप हैं कौन ये तो बता दो, बोले यार तुम जिसको मानते हो मैं वही हूँ यार, मालूम ही, तो मैंने कहा फिर भी कोई तो बताओ ना आप कौन है, बोले मैं गॉड हूँ, तुम निकलो यहाँ से, पता नहीं मैं चाय पिए बगैर नहीं जाता, बोले चाय तो मैंने तुम्हारी वाइफ को बोल दिया, वो चाय लेके आ गई, मेरी वाइफ चाय लेके आई, मैंने बोला चाय क्यों लाई थी, बोले तुमने आवाज दिया चाय लेके आओ 4 बजे, तो ठीक है भाई, तो मैं तो उठता हूँ 6:30-7 बजे, तो चाय पी के मैंने कहा भाई 2-3 चीजें सही हो रही है चलो देखें, वापस आया तो वाकई एक ओल्ड मैन जो है बच्चे को गोद में लिए बैठा है हॉस्पिटल के बाहर, और मैंने पूछा भाई यहाँ क्यों बैठे हो, घर में क्यों नहीं आए, बोले आप कौन है, मैं बोला मैं डॉक्टर हूँ, कहते नहीं डॉक्टर तो 10:30 आएंगे मुझे पता, तो मैंने हॉस्पिटल खोल के उसको अंदर ले आया, मैं कहा इसको 3 दिन से दौरे पड़ रहे ठीक नहीं हुए, बोले हाँ ठीक नहीं हो रहे, वो आपको कैसे पता है 3 दिन से पड़े दौरे, मैं कहा वेल कोई बात नहीं तुम बैठो, मैं जाके दवाई लाया बच्चे के मुंह में दवाई डाली बच्चा ठीक हो गया, अब प्रश्न ये है कि वो कैसे ठीक हुआ भाई, और मेरे को सपने में यही कहा गया था कोई भी दवाई दे देना बच्चा ठीक हो जाएगा, नाउ व्हाट वाज इट, मोस्ट लाइकली दिस वाज माय सबकॉन्शियस माइंड व्हिच वाज वेवरिंग एवरीवेयर अराउंड, उसको एक चीज नजर आई आके मुझे मैसेज दे दिया उठ भाई चल देखो, डॉक्टर साहब इसकी इसकी एक व्याख्या ये हो सकती है कि ये आपकी संवेदनशीलता है, निरंतर एक जो डॉक्टर डॉक्टरी का अभ्यास करते करते आपकी सेंसिटिविटी का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि कहीं पर भी जो इस तरह की वेव्स होंगी डिस्टर्बिंग वेव्स होंगी वो आप अनकॉन्शियसली उनको ग्रहण कर रहे हैं और वो ही फिर आपको आपका माइंड आपको फोर्स करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी का लेवल इतना ज्यादा एक्यूट हो गया हुआ है, इतना ज्यादा बढ़ गया हुआ है कि आप हर तरह की वेव को रिसीव कर रहे हैं, जहां पे जरूरत है उस तरह की वेव्स आपके पास पहुंच रही हैं, एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट, और अगर आप रिजिस्ट भी करें तो यू कैन नॉट रिजिस्ट दैट, आई थिंक बाबा जो है वो लेट गया जमीन पर, मेरे पैर पकड़ने लगा, मैं बोला बाबा जी ये है तो ये चमत्कार ही, बोले तुम कौन, ये बताओ पहले तुम कौन हो, मैं कहा मैं डॉक्टर हूं, बोले नहीं नहीं कुछ और है, मुझे लगता है कि एक हमें लेक्चर डॉक्टर रवि अग्रवाल जी से लेना पड़ेगा मेमोरी के ऊपर, क्योंकि कॉन्शियसनेस मेमोरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सर, अगर आप इस बात के लिए सहमति देते हैं तो एक इस विषय पे भी चर्चा शुरू करें कि मेडिकल टर्म्स में मेमोरी और ये सारा प्रोसेस जो है सेंसिटिविटी का और जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है इस मेमोरी के बारे में उसको भी हम देखें और साथ ही साथ उन विषयों को भी लें जहाँ पे ये पुनर्जन्म और ये सारी चीजें जो हैं वो साथ ट्रेवल करती हैं, जिसे हम कर्माशय कह देते हैं, कर्म संस्कार कहते हैं, अब वो शब्द हमें तो पता है लेकिन उन शब्दों के अर्थ क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये अपने आप में बड़ा एक उलझा हुआ सा विषय है, और आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये विषय बड़ा सरल था और दो विषयों को सुनकर के दो धाराओं को सुनकर के बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और हम बड़े लाभान्वित हो जाएंगे, ये तो है, we have come to a crossroad again. तो मुझे लगता है कि हम चलिए इन सारे कल भी एक इसी सिलसिले में एक और विषय है, कल पंच महाभूतों पर है, ये जो पंच 5 basic elements हैं और जो साइंस है और जो हमारी संस्कृत ट्रेडिशन है उनके बीच में इनका इनके विषय में क्या समझ है उसके ऊपर हमारी चर्चा है, तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर कल आप लोग जुड़ें
तो उसमें भी ये इसी तरह के कई नई आयाम जो हैं वो उभर के हमारे सामने आ सकते हैं। तो पंचमहाभूतों पे चर्चा कल होगी और मुझे लगता है कि ये वाला विषय भी उसमें कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम इस विषय पे बात करेंगे जो डॉक्टर रवि जी कह रहे थे और जो उनकी उसमें सिद्ध हस्तता भी है मेमोरी के विषय पे, और वो उसमें सिखाते भी हैं कि जो फास्ट मेमोरी है, जो एकदम क्विक मेमोरी है, वो किस तरह से गेन हो सकती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस विषय पे भी हम बात करेंगे, और यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो वो हम कर आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे क्योंकि लगभग समय हमारा हो चुका है। और यदि किसी का फॉर्म नहीं भरा गया है तो वो प्लीज भर दीजिए, क्योंकि फिर एक बार क्लोज करने के बाद फिर फॉर्म भरना मुश्किल हो जाता है। तो यदि किसी की कोई टिप्पणी है तो स्वागत है उसका। ओके, मुझे लगता है कि इतनी सारी सूचनाओं के साथ और इतने सारे आयाम हमारे सामने आ गए हैं कि शब्द जो है वो ठीक से हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, कॉन्शियसली उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि एक आध दिन लगेगा इस सारे विषय को ठीक से व्यवस्थित करने में, अपने कॉन्शियसली कॉन्शियसनेस के बारे में चिंतन करने में, उसके लिए भाषा को व्यवस्थित करने में समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हमें दोबारा इस सारे विषय पे दोबारा बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर मुझे दिया गया है, ये मेरे द्वारा लाया गया नहीं है, दिस हैज बीन गिवन टू मी, एंड द माइंड आई हैव एक्युमुलेटेड विद माय इंप्रेशंस आई हैव गेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दीज टू थिंग्स आर आई हैव बीन प्रोवाइडेड, आई हैव बीन गिवन दीज टू थिंग्स, so that means I am something different and my mind is something different and my body is something different. So going by that logic, consciousness is that which has, which I can say ki, which I am, which is not mind, which is not nor body, that is mind, that is consciousness. So with these words I thank everyone. And I'm really grateful to Dr. Anil Agrawal ji, Professor Dr. Rajendra Prasad Sharma ji, for their enlightening talk. और बाकी सब श्रोताओं का तो मैं आभार कैसे व्यक्त करूं जिन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक दोपहर के समय में जब खाना खा करके नींद आ रही होती है और बड़ी सुस्ती का वातावरण उस वक्त छाया होता है, शरीर कहता है सो जाओ, लेकिन अंदर से वो मन जो होता है कि नहीं, विचार को सुन ही लेते हैं, तो उसके लिए मैं श्रोताओं का, प्रतिभागियों का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग जुड़े रहे धैर्यपूर्वक। और दोनों वक्ताओं के प्रति तो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ कि उन्होंने जिस तरह से हमें आज एनलाइटन किया है और हमारी जिज्ञासाओं को और अधिक अग्रसर किया है, तो मुझे लगता है उस दृष्टि से ये वेबिनार सफल है। वेबिनार या सेमिनार जो होते हैं वो कोई इस काम के लिए नहीं होते कि हमने कोई उत्तर ढूंढ ही लेने होते हैं, वो होते हैं कि नई संभावनाओं को तलाश करने के लिए, नई जिज्ञासाओं को जन्म देने के लिए, नई चर्चाओं के को अग्रसर करने के लिए ये वेबिनार होते हैं। तो लेकिन ये एक नया प्रयास था कि एक तरफ वो जो पुरानी संस्कृत जिसे कहकर के हम रिजेक्ट कर देते हैं कि पिछड़ी हुई और पाखंड और ये वो, उसके विचार को भी सुनने को मिला, और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल आधुनिक विज्ञान जिसके प्रैक्टिशनर हमारे साथ विद्यमान हैं उनकी बात को भी सुनने को मिला। अब ये आपकी कॉन्शियसनेस पे निर्भर करता है कि आप दोनों का समन्वय कैसे करते हैं, सिंथेसाइज दोनों को कैसे करते हैं, और अपनी समझ आप कैसे बढ़ाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस का विस्तार कैसे करते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। और कल फिर 2 बजे मिलेंगे, लेकिन कल पंच महाभूतों पे बात करेंगे कि ये कैसे भूत हैं जो हमेशा आदमी को चिपके ही रहते हैं, छूटते नहीं, और मृत्यु के बाद फिर अलग हो जाते हैं, और बॉडी में कितनी खूबसूरती से वो आपके समायोजित होते हैं, उस पर कल हम चर्चा करेंगे। कल 2 बजे दोबारा मिलेंगे इसी लिंक के साथ और यही चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद, अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर राजेंद्र जी, थैंक यू रवि जी, और मेमोरी के ऊपर अब अगला जो लेक्चर है उस पर हम चर्चा रखेंगे।
डॉक्टर जयप्रकाश जी स्वागत है, बड़ी देर बाद मैंने देखा आपको। सर आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं जयप्रकाश जी।